ओम शांति। सभी मिलकर के आवाज मधुबन तक पहुंचना चाहिए, कानपुर से नागपुर, कानपुर से नागपुर, अभी नागपुर से आतंकपुर पर परम धाम तक पहुंचना चाहिए ना। ऐसे सभी मिलकर के ओ बाबा ने आकर इस धरती पर ब्रह्मा मुख से सनातन धर्म आदि आदि सनातन देवी देवता हर एक एक बच्चे देवी देवता थे, हिंदू नहीं थे, देवी देवता थे। तो अभी वही लक्ष्य है, हमको अभी पढ़कर फिर से देवी देवता बनना। इसलिए बाबा ने आज मुझे बहुत अच्छी बात बताई, खुदाई किस्मत का भगवान के सेवा करे, भगवान को सेवा करने वाले चाहिए, है ना। खुदा को भी खिदमत सेवा करने वाले, किसकी सेवा? खुदा भगवान को कुछ नहीं, पाव भी नहीं है, मुंह भी नहीं खाने के लिए, कुछ नहीं। लेकिन भारत को उसने जो सृष्टि रची, वो सृष्टि तमो प्रधान बन गई है, पति बन गए, दुखी अशांति हो गई है। तो उस सृष्टि को फिर से कौन करेगा? विधाता ही करेगा, है ना। उस माँ बाप को अपना तन मन तन धन तन नहीं है, वो चाहता है कि बच्चों के मदद से मैं इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाऊं। लेकिन क्या बच्चे भगवान को मदद करेंगे? करेंगे? भगवान को मदद चाहिए बच्चों को? करेंगे? सोच के बताना, भगवान को मदद चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं। हाँ, साधारण व्यक्ति को मदद कर सकते हो, भगवान को मदद चाहिए। तब बाबा ने कहा, भगवान को कौन मदद कर सकता है? कैसे मदद करेंगे? धन देंगे? क्या देंगे? दो पैसे भंडारे में डालेंगे, 10 रुपया डालेंगे, जैसे मंदिर में जाते हो 2 रुपया डाल दिया, भगवान 2 रुपये का भूखा है क्या? भगवान को देते हैं भंडारे में 2 रुपया डालते हैं, 8-1 रुपया डालते हैं, तो ये गलत आदत है। भगवान देने वाला है, उसको क्या चाहिए बताओ? भगवान को हम बच्चों से क्या चाहिए? भारत को स्वर्ग बनाने के बच्चे चाहिए। कौन से बच्चे? क्या मदद देगा? ऐसे बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे तो बहुत है, वो बच्चे चाहिए भगवान के मदद करने वाले, पवित्र बच्चे चाहिए। पवित्रता के बल से ही पवित्र दुनिया को पवित्र कर सकते हैं। भगवान भी किसका हाथ पकड़ेगा, किसकी मदद देगा? तब कहा, मुझे योग के पात्र चाहिए। अगर योग के पात्र मिल जाए, भगवान भी ढूंढता है, देखता है ऊपर से, योग के पात्र कौन है जो मेरे मददगार हो, मैं उनके मदद से इस भारत को स्वर्ग बनाऊं। मैं दादी से पूछ रहा था, दादी आपने इतना बड़ा पिताजी था, परिवार था, सब छोड़ के बाबा के पास क्यों आए? क्या दिया आपको बाबा ने? तो अपना घर था, देखो 2 किलो सोना था, इस सब सोना सब छोड़ करके बाबा के इतने छोटी सी झोपड़ी में, खाना भी नहीं है, जमीन पर बैठ करके एक ही छोटे से कमरे में क्यों आए? क्या मिला आपको? हाँ, भगवान को ऐसे पवित्र बच्चे चाहिए। ये दादी आई नहीं, भगवान के चुन के निकाल, उनको उनके नजर है, मुझे कौन से बच्चे चाहिए, वो उनको खींचता है, उनको कोई दिखाई नहीं देता उस समय, परिवार ये वो दुनिया कुछ नहीं, सब दुनिया के लिए अंधे हो जाते हैं, एक ही भगवान दिखाई देता है, मेरा जीवन भगवान के लिए। और वो अपना सब कुछ त्याग करके, बाबा ने तब कहा, मुझे ऐसे पवित्र बच्चे चाहिए, खुदाई किस्मत का, भगवान की सेवा। तो आप अपने आप से पूछ लो, क्या भगवान मेरी सेवा लेगा? मैं तो चाहता हूं भगवान की सेवा करूं, लेकिन वो लेगा? पूछना हरेक आज की मूर्ति से, अपने आप से पूछो, हरेक भगवान को चाहता है, क्या भगवान मुझे चाहता है? ये पूछना। भगवान के नजदीक में जा सकता हूं, जाने योग्य हूं? देखो भाई जी ने 10 करोड़ रुपए खर्चा करके बहुत बड़ा मंदिर बनाया, वो कहेगा मैं पूजा करूंगा, जा सकता है? नहीं।
ब्राह्मण ही चाहिए। तुमने मंदिर बनाया, इतना बड़ा मूर्ति स्थापन किया, लेकिन आप मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। मूर्ति को हाथ लगा के पूजा करने वाला ब्राह्मण ही चाहिए। भले आप 10 करोड़ में 100 करोड़ खर्चा करो, लेकिन नहीं जा सकते। तो भगवान को कौन चाहिए? आप रोज अपने आप से सवेरे उठते पूछ लो, मेरा बाबा कहने से पहले क्या बाबा मुझे कहेगा कि मेरे बच्चे, बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ेंगी, ये पूछते। दुनिया भगवान को पुकारती कितनी, कितने मेहनत करते हैं ना, भगवान के लिए क्या क्या करते हैं। भगवान मुझे, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं उसके पात्र हूं, ये पूछना चाहिए, है ना। ऐसे कहना वो बाबा ने, अगर पात्र योग्य है भगवान अपने आप खींच के लेगा, आप चाहो नहीं चाहो, आपकी इच्छा नहीं उसकी इच्छा चाहिए। तो उसकी अगर इच्छा है, आप कहां भी कैसे भी करोड़पति हो, रोडपति हो, इसके पास कुछ भी नहीं है, मम्मा के पास कुछ भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, भगवान ने बुला के कहां से कहां पहुंचा दिया। यज्ञ की मां बनाते सारी यज्ञ, बाबा भी कहता था मम्मा मां कर, मम्मा की माता जी भी थी, वो भी मां भी बच्ची को मां कहते, नहीं मेरी लड़की नहीं, है ना। तो इतना कहा लक्ष्मी बनेगी, सरस्वती बनेगी, विद्या देवी, बाबा ने मुरली सुनाई तो उस मुरली पर मम्मा बैठ कर लिखती थी और बाबा के पास स्वयं मुरली का स्पष्टीकरण करती थी, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, तब सबको मम्मा की मुरली समझ में आती। बाबा फटाफट बोलता है, सागर है ना, सागर के लहरे के बाद एक निकलती रहती है, लेकिन मम्मा बच्चों को, माँ बच्चों को कैसे खिलाती है, नरम करके। तो मम्मा एक एक शब्द का अर्थ सुनता है, तो सब ले मिल करके मम्मा कहते हैं। आप पूछो कि भगवान मुझे पसंद करेगा, ये रोज अपने आप से पूछ कि भगवान के नजदीक जाने के लिए योग्य हूं मैं, आप चाहते हो, वो चाहता है, तभी तो वो मिलेगा ना। तक्का पात्र को देखेगा, योग्य पात्र चाहिए, तो मैं बच्चों से, बच्चों की मदद लेने तैयार, मुझे चाहिए भी कि भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा के लिए, लेकिन योग्य पात्र चाहिए। तब आपको कल सुनाया एक डॉक्टर ने सुंदर मकान बना के बहन जी को दिया, है ना, बहन जी आप सेंटर खोलो, सेंटर में आओ, इधर मकान रेडी तैयार। बहन जी गई भी, पाव रखा, नहीं ये सेंटर के योग्य नहीं है, नहीं देना है, है ना। तो देने वाले बहुत है, लेकिन भगवान उसी का लेता है जो योग के पात्र, स्वच्छ तन मन वाणी और कर। तो पूछना, हर एक चाहता है भगवान, भगवान पुकारते हो, बाबा करते हो, पूरा योग करते हो, ज्ञान सुनते हो, सब कुछ करना चाहता है, क्या भगवान मेरी कणा दाना लेगा, मुझे नजदीक बुलाएगा, भगवान के नजदीक जा सकता हूं। देखो शांतिवन में बाबा हरेक के बीच में आ गया, शुरू में स्टेज पर नहीं बैठा, स्टेज पर बैठा, सारे शांति मंदिर में, सारे हॉल में चक्कर लगा, हर एक बच्चों के नजदीक जाता, आप कहते बाबा इतना दूर बैठा है, आपको इतने दूर से दिखाई भी नहीं देता, दृष्टि भी नहीं मिलती है, ये बाबा ने नहीं किया, ये हम बच्चों ने बाबा को अपने से दूर किया। बाप बच्चों के दूर नहीं रहना चाहता है, बच्चों ने बाप को दूर कर दिया, क्यों बताओ, बच्चों ने बाप को दूर किया कि बाप ने बच्चों को दूर किया, बच्चों ने किया, क्यों पूछे क्या, बाबा जब माता का चक्कर लगा लगा माता एक पाव पकड़ दी, अरे दृष्टि ले लो, शक्ति ले लो, वो सबके पाव से क्या मिलेगा, ऐसी भीड़ रहती थी, दादी जाती थी इतना रस्सी बांधते थे बाहर नहीं आना, अगर बाबा चक्कर लगाते थे दृष्टि लगा देंगे, लेकिन माता है भाई कोई कोई पाव पकड़े, अरे पाव में क्या मिलेगा, शरीर से क्या मिलेगा, दृष्टि ले बाबा की शक्ति ले लो। तब ऐसे करने लगे तो बाबा ने नीचे उतरने बंद कर दिया, तो किसने बाबा को नीचे नजदीक आने से बंद किया, हमारे चलन। मैं कल देख रहा था बहन जी बार बार बता रही माता एक लाइन में आओ, अभी अगर ये नियम मर्यादा नहीं सीखेंगे सत्युग में ऐसे भीड़ करेंगे, है ना, अभी सीखना है, कहां जाना है, 1 मिनट 5 मिनट लगेंगे, हाँ ये मर्यादा, ये दैवी गुण, ये नहीं सुना कितना भी आप बाबा बाबा करके रो, मुरली सुनो, योग करो, धारणा
आचरण में देखना, लोग देखेंगे, देखो भाई जी आप सबको सारे विश्व में भेज रहा है, पता आपको, आप यहां नहीं बैठे हो, सारे विश्व के बाबा के बच्चे दुनिया वाले आपको देखा रहे हैं, यहां से आपको सबको भेज रहा है पतन में, आप यहां नहीं बैठे हो, सारा विश्व आपको देखता है। तो माता जी अगर सिर्फ भीड़ करेंगे, कोई क्लास में बैठे नींद करेंगे, तो आपका फोटो नींद करता हुआ जाएगा, चलेगा, बाबा की प्रत्यक्षता होगी नहीं, भगवान के सामने बैठे नींद कर रहे, भगवान के सामने बैठे इधर उधर देख रहे हो, है ना, ये दैवी गुण। तो अभी आज से पक्का रखना, दोबारा भेजने बोलना नहीं, एक हाँ, एक तो मर्यादा, एक हॉल के अंदर घुसते हो तो चप्पल पहन के आते हो, नहीं भाई जी भूल गए चप्पल पहन के आ गया अंदर, ऐसा होता है भूल, नया चप्पल बाहर छोड़ते हैं ना, कि कभी भूल करके चप्पल पहन के आते हो, नहीं बाहर छोड़ते, तब अंदर घुसते समय याद रखना कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर, मोबाइल का काम यहां नहीं है, हाँ बाहर जाने के बाद भूल करो, यहां आए हो तो चप्पल को जैसे बाहर छोड़ते हो, अंदर घुसते समय ही चप्पल छोड़ा, मोबाइल भी थैली में या उधर को बंद कर दो, जैसे आवाज आ रहा है तो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते, लोग बोलते हैं देखो मोबाइल आवाज करता है, सबकी नजर जाती है, ये भी मर्यादा है, ये दैवी गुणों में आया है ना, ये एक ठीक है, याद रखना आज के बाद कहीं भी जाओ, आपको नहीं मैं बताता हूं, मैं अपने कहता हूं, मैं मोबाइल लेके कभी बाबा के कमरे में नहीं जाता हूं, किसी से बात करता हूं तो मोबाइल लेके नहीं बैठता हूं कमरे में, कोई डॉक्टर नहीं है किसी शरीर छोड़ा तुरंत दवाई देना चाहिए, नहीं जाने के बाद दिन में 10 मिस कॉल आए, कहीं 10 कॉल के बाद जाके कमरे में जाऊंगा देखूंगा 10 मिस कॉल आए, बात करो रात को, बात करो दिन में, बात करो कमरे में, बात करो ना, इधर सभा में बात करने का समय नहीं है ना, दो काम एक साथ नहीं हो सकते, या भगवान से मिलो या मोबाइल से मिलो, किससे मिलना चाहिए, भगवान से मिलने आए उसको बना दे सहित, देह के सब पदार्थ, देह के सब संबंध देश बाहर छोड़ के, तब ज्ञान अंदर जाएगा, नहीं तो यहां आने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, बार बार मोबाइल गुरगुर आवाज कर रहा है, ध्यान उधर जा रहा है ना, ये एक काम करना। दूसरा, जब भी बहन जी कहती है माता है लाइन से आना, अपने आप एक लाइन एक के पीछे एक ही, दोबारा भूलना नहीं पड़ेगा, देखिए भगवान के बच्चे देवताओं के बच्चे, एक बार इशारा से बताते हैं लाइन से आओ, कहीं जाना नहीं कहां जाना है, हाँ किसी को जरूरी है तो बेटी को बोलना भाई जी मुझे जल्दी जाना है, मैं पहले जाऊं तो हाँ कहेंगे वो नजदीक आपको ले जाए, ठीक है, तो ऐसे दोबारा बोलने मर्यादा पुरुषोत्तम किसके बच्चे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बच्चे, देवताओं के नहीं, साधारण मनुष्य के नहीं, तो चला ये दो धारणा रखना, शांति वन में भी देखते हैं सौगात के लाते भीड़ करते, बार बार बोलना माता है लाइन में आ, अभी माताएं कौन सी हो गई, अरे आज माताएं कौन सी है, देवी कुल के माताएं, सिर्फ माताएं नहीं है ना, ये लक्ष्य रखना, कभी दोबारा बहन जी को बोलना नहीं पड़े, एक के पीछे एक लाइन, हो सकता है जो माताएं कहेंगे अगले भाई जी अगले ग्रुप में ऐसा नहीं होगा, वो हाथ उठाओ देख लो, हाँ देखो बहन जी देखना आपके सब माता है उषा दादी देखा, हाँ जगत माता है ना उषा, ऐसे माताएं होनी चाहिए ना, ठीक है गुड। अब सुनो, अब बाबा ने बहुत अच्छी बात की, जो आपकी गलती नहीं है वो क्यों है वो बता दो, कि आत्मा का ज्ञान सुना, पहला प्रश्न आपने सुना मैं कौन, मैं आत्मा, लेकिन इसके ऊपर आपने कभी चिंतन नहीं किया, योग में जब बैठते हो खाना बनाते हो सोचो मैं कौन, आत्मा क्या है पूछना, ये एक घंटे का एक्सप्लेनेशन है, ये पांच प्रश्न नहीं, पांच घंटा आप योग में बैठ सकते हो, इतना विस्तार है, शॉर्ट कर एक पूछ ले, एक बता दा मैं कौन, मैं आत्मा, आत्मा क्या है मन है, ये मन क्या करता है अपने आप से पूछना, इधर बैठे बैठे पूछना, देखना ये मेरा मन क्या कर रहा है, किसका सोच रहा है, किसके विचार आ रहा है, ये मन तो मेरा दूसरों का तो नहीं है ना, ये मेरे मन में किसका विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, पूछो अपने आप से, देख लो मन में देखी देखदारी का, परिवार का, दूसरों का विचार क्यों आया, हम इधर आए बाबा का ज्ञान सुनने के लिए, दूसरे विचार क्यों आ रहे, अपना मन अपने को पढ़ा नहीं, मन तुम इनके लिए नहीं सोचो, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, इनसे मुझे नहीं चाहिए, ये विचार नहीं करना, बार बार अपने मन को समझाओ, मन में दो प्रकार के विचार, एक पुराने 10 साल पहले इसने गुस्सा किया था, 10 साल पहले इस बहन जी ने बहुत सुख दिया था, इस भाई ने बहुत मदद किया था,
पुराने विचार है जो अंदर भरे हुए हैं, और एक फूल को देखते ही विचार आता ये सही है कि गलत है, ये रियल है कि आर्टिफिशियल है। वर्तमान दो प्रकार के विचार है, मेरा मन क्या करता है, दो प्रकार के विचार, एक पुराना देखना, पुराने विचार आता है तुरंत समझा नहीं, पुराने बात सोचना नहीं चाहिए, तब बाबा कहते हैं फुल स्टॉप हो, जो मर गए उनकी याद करके फायदा क्या, क्या कर सकते हो, तुरंत समझा नहीं, ये पुरानी बात नहीं सोचना चाहिए, खत्म, उसको बाबा कहता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ऐसे करता नहीं, समझाना पड़ता है, अरे इनकी याद क्यों आई, ये मर गए, ये खत्म हो गया, उन्होंने कल गुस्सा किया था, आज तो नहीं किया, आज उनकी याद आने से क्या फायदा, मेरा ही मन खराब होगा, तो मन को समझाना है, तो मन को कौन समझाएगा, कौन समझाएगा, चश्मे वाली माता जी बताओ, नहीं और कोई नहीं बताना, एक ही माता जी बताओ, आप बताओ मन को कौन समझाएगा, आप नहीं माता जी बताए, हाँ समझना पे मैं ज्ञान अंदर गया है, हाँ ये नहीं समझा बताएंगे तो अभी ज्ञान समझा नहीं, तो बच्चों को मां समझाती है, टीचर स्टूडेंट को टीचर समझाता है, मुझे कौन समझाएगा, बुद्धि, बुद्धि किस आधार से समझाएंगे, अगर रोज आपने अच्छी तरह से मुरली सुनी है, मुरली बुद्धि को याद रखती है, मन चंचल है, मन में किसी को देखते गलत विचार आएगा, भाई को देखते अरे यही भाई था, ये दो साल पहले इतने कितना परेशान किया, आएगा तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, हाँ इसने परेशान किया है, बाबा का बच्चा, बाबा के आपका बच्चा, इसको आप सद्बुद्धि दे दो, ऐसा कर्म और न करे, इस बच्चे को शक्ति दे दो, ऐसा गलत कर्म न करे, बाबा तो बाबा की याद आनी चाहिए, इसको कहते बाबा की याद, मुरली याद आना चाहिए, तो बाबा ने मुरली में कहा औरों के प्रति शुभ सोचो, शुभ भावना रखो, हाँ ये आज खराब है कल ठीक हो जाएगा, बाबा इसको ठीक करेगा, ऐसे शुभ भावना रखो, तो ये बुद्धि करती है, बुद्धि मन को समझाती है, जितना बुद्धि के अंदर ज्ञान है उतना अच्छा समझाती है, अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है तो गलत समझाएंगी, वो भी गुस्सा करता है, वो भी करता है, ये भी करता है, ऐसा कारण बताएंगे, है ना, तो ज्ञान से मन को समझाना चाहिए, समझ में आया, मन दो काम करता है, कभी भी देखना मेरे मन में किस प्रकार के विचार है, अपने आप को देख लो, एक पुराने विचार एक नए आते हैं अभी के, तो पुराने आते तुरंत उसको समझाना चाहिए, ये विचार करना नहीं चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं, वो हो गया, उसको बाबा ने ड्रामा शब्द यूज किया, ड्रामा कब तक कहना चाहिए, तो हो चुका, अभी ड्रामा नहीं करो, कुछ हुआ कि ड्रामा में था, हो गया, अब उसको कुछ कर नहीं सकते, तब ड्रामा शब्द यूज करना चाहिए, उसके पहले नहीं, समझ में आया, अभी बुद्धि क्या करती है, बुद्धि आपके पास है, क्या करते हो, तीन प्रकार से काम करते हो, पता मुझे, मेरा दो हाथ मेरे ही है, एक ही जैसे है, ये हाथ किसके लिए काम यूज करते हो, ये हाथ किसके लिए यूज करते हो, ज्ञान से, नहीं इससे हाथ से मैं खाता हूं, मेरा हाथ है, मैं खाऊ, हाँ खा सकते हो, अगर मेहमानों के साथ बैठ के इस हाथ से खाना खाएंगे तो क्या कहेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, देखो इस बच्चे को माँ बाप ने खाना खाना भी नहीं सिखाया, दोषी कौन, माँ बाप, है ना, कि किस हाथ से खाना खाता, इस बात से कहना चाहिए, ये मर्यादा, तो इसलिए आपको पता बुद्धि आपकी है, लेकिन बुद्धि क्या क्या काम करती है वो जानना चाहिए, किसी को पता है, कोई बताएगा बुद्धि क्या करती है, तीन प्रकार से कार्य करती है, बताओ, हाँ क्या करती है, एक मन में विचार आया, आम को देखते ही बुद्धि कह रही है आम खाने वाला है ना, निर्णय देती है ना, एक दूसरा, हाँ बुद्धि अनुभव करती है, देखो वो उशार है, हाँ अनुभव करती है, ये आम खट्टा है, ये आम मैंने कल खाया था बहुत मीठा है, दिखाई नहीं देता मुंह में पानी आता है, बहुत मीठा आम है, महसूस करता है, मीठा कड़वा दिखाई देता है नहीं, अनुभव करता है, बुद्धि अनुभव करती है, तीसरा देखो इतना उशार है, मुझे लगा कि उशार नहीं है, देखो उशार है, बुद्धि स्थूल चीजों का, आप कहेंगे तो आम का चित्र आएगा, अगर आपको मीठा या आम मीठा है, मीठे का चित्र आएगा, शिव बाबा का चित्र आएगा नहीं, शिव बाबा निराकार है, उसका चित्र नहीं आएगा, आत्मा का चित्र दिखाई देगा नहीं, निराकार आत्मा को न देख सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो, शिव बाबा को देख नहीं सकते,
शिव बाबा का अनुभव कर सकते हो। मीठा आम खट्टा आम दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है ना। तो बुद्धि अनुभव कर रही है, बुद्धि स्थूल चीजों का चित्र दिखाती है, बुद्धि नेत्र का। जब आंखें बंद करके रात को सोते हो तो स्वप्न दिखाई देता है, उस जो शरीर के द्वारा किए हुए कर्म स्वप्नों में आता है। बुद्धि निर्णय करती है किसी को देखते ही ये खाने वाला फल या नहीं खाने वाला फल, इनके लिए कैसा सोचना, ऐसा सोचना चाहिए नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बुद्धि निर्णय देती है, बुद्धि अनुभव करती है, बुद्धि स्थूल चीजों का चित्र दिखाती है, सूक्ष्म का नहीं। शिव बाबा का चित्र दिखाई देगा तब बाबा ने कहा इन आत्माओं से देख नहीं सकते हो, आत्मा को देख सकते हो नहीं, आत्मा को भी देख नहीं सकते, आत्मा अनुभव होता, मैं शरीर के बीच में प्रकृति के बीच में बैठा हूं, ये चमकता सितारा दिखाई देगा। हाँ ये याद पता होना चाहिए, आत्मा निराकार है, एक शक्ति है ना, तो वो दिखाई नहीं देता, अनुभव होता। ये तीन बात याद रखनी चाहिए। तीसरा संस्कार, दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, दो प्रकार के सब। मन में कुछ गलत विचार आता है वो कभी भी संस्कार नहीं बनता है, मन में विचार आया आप को देखा आपने कहा बहुत अच्छा आम है, कुछ नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, आम को देखते ही मुंह में पानी आया, अरे आम खाना चाहिए, फील किया, संस्कार बन गया, सूक्ष्म संस्कार। आपने कहा इस भाई को देखा कुछ नहीं हुआ, इनको देखते विचार आया, देखो इसने मुझे 2 साल पहले कितना गुस्सा किया, इसको भी मैं ऐसा करूंगी, इसका ऐसा करूंगा, ये विचार आया, फीलिंग आ गई, महसूस हुआ, संस्कार बन गया, इसको कहते हैं सूक्ष्म संस्कार। आपके भाई मैंने गुस्सा नहीं किया लेकिन फीलिंग हो गई, इसने मुझे ऐसा किया था, इसको भी मैं ऐसा करूंगा, इसका बदला लूंगा, इसको भी कोर्ट में ले जाऊंगा, इसको जेल में डालूंगा, फीलिंग आ गई। आपको देखा आपने कुछ नहीं होगा, आम को देखने का हाथ भी लगने वाला नहीं, बहुत दूर है, देखते ही मुंह में पानी आता, अरे खाना चाहिए, फील किया, सूक्ष्म दाग पड़ गया, सूक्ष्म दाग से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस सूक्ष्म शरीर कैसे बना, सूक्ष्म संस्कारों से सूक्ष्म लाइट का शरीर बनता है। और एक है स्थूल, इस शरीर कौन बनाता है, आपने हाथ से आम खाया, कुछ खाया, गुस्सा किया, किसी को मारा, किसी को दुख दिया, इस शरीर के द्वारा जो कर्म किया उसको स्थूल संस्कार कहते हैं। दो प्रकार के संस्कार बनते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, समझ में आया। हाँ देख मन क्या करता है, आत्मा का पूरा ज्ञान चाहिए तब योग लगेगा। आत्मा माना क्या है, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार। तो कर्म करते समय आपको पता होना चाहिए कि मैं ये जो कर रहे हो तो संस्कार हो जाएगा। अगर माता जी रोज घर में सब्जी काटती है, सब्जी काटते है क्यों, पति को खाना खिलाना है, बच्चों के लिए खाना बना रही हो, ये सब्जी बनाते सोचते सोचते बना रही, तो वो सब्जी जो काट रही उसका रिकॉर्डिंग होगा ना, संस्कार बन गया, ये शरीर छूट गया, तो आत्मा भविष्य जन्म में जाते ही क्या करेगी, वहां भी सब्जी काटेगी, सोचना। इसलिए ज्ञान चाहिए, कर्मो संस्कार से शरीर जीवन बनता है, जैसे संस्कार वैसे संसार। आपके जो मैं सत्युग में लक्ष्मी करूंगी, अरे यहाँ सब्जी काटते समय पति के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, ये सब्जी चिंतन सब्जी का कर रहे हो, जैसे संस्कार वैसा जन्म वैसा संसार। बिल्कुल अभी आता हूं, अभी चेतना यहाँ झाड़ू लगाते हो, क्या झाड़ू लगाते हो, क्या करते हो, देखो भगवान ने मुझे ऐसी सेवा दिया, रोज झाड़ू करते रहो, मेरा काम यही चिंता करते करते कर रहे हो, तो वहां भी झाड़ू लगाना पड़ेगा, इसे बता रहे। अब आया अब आता, अभी ये माता जी लक्ष्मी बनेगी कैसे, रोज सब्जी काटती है घर में झाड़ू लगाती है तो भी लक्ष्मी बन सकती है। अभी झाड़ू लगाते लगाते बाबा मैं आप ही शरीर को झाड़ू लगा के स्वच्छ करते हो, बाबा मैं आपका सेंटर स्वच्छ कर रहे हूँ, बाबा मैं आपके मकान को स्वच्छ कर रहे हूँ, आपके आंगन में झाड़ू लगा रहे हूँ, बाबा आपके लिए खाना बना रहे हूँ, बाबा आपके लिए कौन सी सब्जी बनाऊ, बाबा आपने मुरली में ये कहा था, ज्ञान का चिंतन करते करते कर्म कर रहे हो, वो कर्मों का संस्कार नहीं बन रहा है, ज्ञान का संस्कार बनता है, तब कहे कर्म आपका भाग्य बना, कर्म आपका भाग्य बिगाड़ता भी है। कर्म से ही आप देवता भी बन सकते हो
राक्षस भी बन सकते हो, शुद्ध भी बन सकते हो, आपके हाथ में है कर्म के साथ। तब बाबा आके कर्म योग सिखाता है, घर में रहो, झाड़ू लगाओ, सब्जी काटो, बाथरूम साफ सफाई करो, कपड़े धो, और जाने। लेकिन वो कर्म करते समय आपके मन में क्या चल रहा है? हाँ, एक कर्म आपके विकर्म बन जाता है। कर्म करते करते ये सोच रहे हो, मुझे तो भगवान ने देखो झाड़ू लगाने का काम दिया, मुझे यही करना पड़ता है, ये तो कोई करते नहीं, मुझे कर्म, ये सोचते सोचते कर रहे हो, तो उसी के संस्कार बन गए, शरीर छूट गया। ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ रोज झाड़ू ही लगाना समझा? जैसे कर्म भरा ऐसा आवाज आएगा ना, आपको गीत कैसे रोते रोते आपने गीत गाया, आवाज कैसा आएगा? अच्छा आवाज आना चाहिए, होगा रोते रोते आवाज आएगा। तो कर्म करते समय किस स्मृति से कर्म करें, कोई भी कर्म करो, कर्म खराब नहीं, कर्म करने की विधि चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कर्म योग, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, कर्म बाबा की याद करते करते कर्म। बाबा की याद क्या? उदाहरण बताए, कपड़े धो रहे हो, बाबा आप भी धोबे हो, मैं भी देखो आपके बच्चों के कपड़े धो रहे, आपके बच्चों के कपड़े धो रहे हो, आप भी हमारे धोते हो, आप भी धोबी, मैं भी धोबी हूं, बाबा से बात करते करते कर्म। तो अंदर क्या रिकॉर्डिंग होगा? कर्मों का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जो अंदर चिंतन चल रहा है वो रिकॉर्डिंग हो गया, वो आपके साथ जाएगा। समझ में आया? हाँ, ऐसा नहीं कहना कि हम रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, फिर भी मेरे मैं ऐसा क्यों हूं? सुनते हो, लेकिन कर्म करते समय उस याद से कर्म नहीं किया। कर्म आपका सौभाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है, कर्म ही कर्म भ्रष्ट बनाता है, कर्म ही मनुष्य को शुद्ध बना देता है, कर्म ही मनुष्य को देवताओं का देवता बनाता है, राजा बना देता है। तो कर्म कैसे करना, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कर्म योग सिखाया जाता है। नंबर वन कर्म योग है, कर्म संन्यास नहीं है, कर्म छोड़ना नहीं। कभी कहेंगे मुझे रोज खाना बनाने पड़ता है, मैं मुरली सुनने जाओ, मैं योग करने जाओ, नहीं, ये ऐसे नहीं करना। कर्म करते करते मुरली सुनते रहो। आज की दुनिया में स्वामित्व साधन है, क्या साधन है? मोबाइल में मुरली आती है, क्लास आते हैं, अच्छे बाबा के गीत आते हैं, किचन में रखो, खाना बनाते रहो, सब्जी काटते रहो, कपड़े धोते रहो, है ना, मुरली सुनते सुनते हैं। काम मुरली उसको कहते हैं, कर कार्य दिल, कर्म हाथों से करो, दिन में बुद्धि ध्यान सुनते रहो। हम क्या करता हूँ आप पूछेंगे, मैं ये क्या करता हूँ, मोबाइल में रात को मुरली आती है, मुरली ऑन करता हूँ, सवेरे स्नान करते समय थैले में मोबाइल को एक थैले में डालता बाथरूम में, आधा घंटा लगता स्नान करते कोई काम नहीं, खाली मन है, तो उस समय ध्यान का चिंतन चले, मुरली सुनते सुनते आधा घंटा स्नान किया, पता नहीं चला, मन में अच्छा चिंतन चला, कोई दूसरों का आवाज नहीं, कोई नहीं है, खाली मन को बिजी कर, खाली मन गलत अगर इधर उधर के विचार करेगा, कुछ काम नहीं इधर, है ना। तो कैसे समाज सफल करे, आपने कहा काम, आप झाड़ू लगाते हो, सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, माता है भाई, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हुए क्या देखना है, गाड़ी चलाना है, तो कान क्या करते हैं, कान को अच्छे अच्छे गीत दे दो, अच्छा क्लास दे दो, तो सुनते सुनते कोई एक शब्द अंदर घुस जाएगा, है ना। कर्म करो, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो लो, अनाज साफ करो, संसार में रहते हुए गृहस्थ को आप स्वर्ग बना सकते हो आज भी, कल तो स्वर्ग मिलेगा, वहां सोने का ताज मिलेगा, आज भी आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते, लेकिन ये चाहिए। लेकिन घर में अगर सभी चलते हैं, पीस ऑफ माइंड चल रहा है, गीत बज रहा है, फिर भी गीत नहीं बजाओ, बाबा की मुरली चलते गुजार करने के आवाज से बाबा का आवाज सारा दिन चल रहा है, सारा दिन में शांत, जैसे कि मधुबन में बैठे हैं, है ना। तो घर को आज आश्रम बना सकते हो, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मेरे संस्कार के लिए मुझे देवता बनना है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, लेकिन संस्कार कौन से है? ऐसे संस्कार लेकर के आप स्वर्ग में जा सकेंगे? पूछना, है ना। इसलिए कहा संस्कार दो का, एक हॉल में आते ही चप्पल पहन के हॉल में नहीं बैठते हो, जैसे चप्पल बाहर छोड़ते हो अंदर घुसते समय देखना मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं, तो मोबाइल लेके नहीं आना, यहाँ कोई मोबाइल का काम नहीं। हाँ सर, पहले बता क्या, मैं 1 बजे घर में आऊंगी, उसके पहले नहीं,
मैं किधर जा रही बच्चा स्कूल ले गया मोबाइल लेके जाएगा नहीं 12-1 बजे आएगा स्कूल में बच्चों पढ़ने के लिए जाते हैं मोबाइल का कोई काम नहीं ये भी पढ़ाई स्कूल है घर में बता के आओ कि मैं 1 बजे आऊंगी तो उसके पहले फोन करने की जरूरत ही नहीं है अगर किसी का फोन आता है तो घर में आएगा 1 बजे के बाद जाके फोन देख लो है ना तो फोन की जरूरत नहीं है तो दूसरों को कहना नहीं पड़े नहीं तो आज की दुनिया में साइंस ने आपको साधन दिया उसकी मर्यादा भी है कहां यूज करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए है ना अगर मर्यादा पूर्वक यूज नहीं करते हो तो आसुए संस्कार होंगे ना बहन जी को बार बार अनाउंसमेंट करना पड़ता है माता है मोबाइल बंद करो दूसरों पर नजर लग गया एक सबको देखते रह गए सबका अटेंशन मैंने डाइवर्ट कर दिया सबका ध्यान मैंने तोड़ दिया है ना उसका भी पाप बनता है जो आए इतने मेहनत करके ध्यान से मैं सुनू किसका मोबाइल बंद कर इधर देखने लगे तो उन सबका मैंने ध्यान तोड़ा चलेगा ये मर्यादा याद रखना दूसरा कभी भी तोली देते हैं मिलते हो एक लाइन लाइन से एक के बाद कितने भी करके धीरज रखना सीख ये दैवी गुण है अगर ये संस्कार लेके आप सप्ती में जाएंगे तो चलेगा गेट वाला छोड़ेगा अंदर वहां भी कहेंगे भीड़ मुझे पहले जाना है अरे वो कहेंगे कितना दफा उधर जाएंगे भीड़ करेंगे सप्ती के लायक नहीं थे टाइम में आ जाओ दरवाजा बंद करेंगे हाँ तो ऐसा होगा ना तो इसलिए दरवाजा सप्ती का दरवाजा बंद ना हो आपको देखकर हाँ खुला हुआ स्वागत करना चाहिए इंद्रदेव का स्वागत बच्चे आओ तो मर्यादा जरूर चाहिए तो वो कब आएंगे अभी हमारे अंदर संस्कार बने हैं आपका दोष नहीं कीजिएगा संस्कार काम करता है जैसे किसी को आदत बनी चाय पीने की चाय नहीं मिली सिर दर्द कर कब जन्म दे चाय पी के आई थे क्या बाद में से आ है ना जन्म दे बनी है ये बाद में डाले हुए संस्कार तब बाबा कहते बच्चे बाद में जो संस्कार डाले हैं उसको सत्युग से परमधाम से जो संस्कार लेके आए थे है ना अनादि संस्कार दैवी संस्कार पवित्र थे स्वच्छ थे शांत थे ऐसे संस्कार अनादि संस्कार रहे तो उसको मिटाना नहीं कौन से दाग मिटाओ जो यहां आने के बाद चाय के गड़बड़ी करने के हाँ झूठ बोलने की गलत हाँ सफाई नहीं गंदगी ये संस्कार करे इसको मिटा दे इसको थोड़ा ले जाना चाहिए थोड़ा तो लेना चाहिए भाई क्या करो संस्कार मिटता ही नहीं है तो थोड़ा रहेगा तो चलेगा ना नहीं नहीं रहेगा तो मिटा देंगे ऐसे मिटा लिए बताओ आप ये भाई जी 10 साबुन लगाए दाग जाता ही नहीं है तो क्या करें बताओ 10 साबुन लगाए माता जी ने कहा ये साबुन लगाओ इन्होंने कहा ये साबुन लगाओ सब लगाया ये दाग मिटता ही नहीं तो उपाय बताओ कुछ कुछ उपाय है आप हाँ देखो माता जी कितना होशियार है तब बाबा ने माताओं के पर ज्ञान का कर लिया अभ्यास माता जी ने क्या सुनाया अभ्यास से परिवर्तन होता है जैसे कुएं के ऊपर पत्थर डालते हैं और रस्सी से पानी निकालते हैं क्या रस्सी से पत्थर काट सकते हैं क्या कटता तो है ना रोज अभ्यास रोज पानी निकालते निकले 5-10 साल के बाद पत्थर भी कट जाता है अभ्यास प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट अभ्यास से ही पुरानी आदत मिट जाती है तो अभ्यास क्या बार बार अपने को पढ़ाओ बार बार सीखा मुझे इनको देखते ही विचार क्यों आ रहा है क्यों करता हूं ये कौन है इनसे मुझे क्या मिलेगा अरे ये खराब ऐसे नहीं वो खराब नहीं मेरा मन खराब उनको परिवर्तन नहीं करो हाँ माता जी क्या बोलते हैं हाँ मन घोड़ा का घोड़े पर कोई बैठा है ना तो बुद्धि पकड़ अरे ऐसा नहीं सोचो ये विचार क्यों आया ऐसे नहीं बोला ड्रामा में मेरा पार्टी ऐसा है मेरा तकदीर ऐसी है मेरा भाग्य ऐसा ये रोना हो गया भगवान के बच्चे होकर के रोते हो नहीं भगवान मालिक मेरे डायरेक्टर बैठा है इधर आपको चिंता क्या है बाबा को बताओ बाबा आप कहते हो ऐसा नहीं सोचो लेकिन बार बार ये गलत विचार आ रहा है क्या करो आप बताओ बच्चे में बैठा है ना मैं सिखाऊंगा रोज मुरली सुनो है ना तब बाबा ने आज कहा बाप के छत्र छाया में रहो अगर बच्चा माँ के साथ रहता है तो उसको कोई चिंता नहीं माँ देखती है काटा नहीं लगना चाहिए पत्थर नहीं लगना चाहिए माँ बच्चों का ध्यान रखती है यहां भगवान माँ बार बार बच्चों का ध्यान रखेंगी तो आप उनके बाबा से बात करते रहो बाबा आप कहते हो ऐसे करो ये ऐसे कैसे होगा
बाबा आप कहते हो योग करो, योग लगाने बैठते नींद आ जाती, योगी ने बता नहीं। आप रोज कहते हो योग करो, मुझे याद करो, कैसे करो, क्या करो, बाबा से बात करते रहो, तो आप किसके साथ हो? आपने कहानी सुनी होगी, सवेरे मुरली क्लास में नहीं थे, सवेरे सुना था। एक माता रोज 4 बजे सेंटर में जाती थी और उस समय उस एरिया में कर्फ्यू लगा था, पुलिस ने कोई जा नहीं सकते। वो माता है, माता जी सवेरे जा नहीं सकते, कर्फ्यू लगा है। नहीं, मुझे भगवान को याद करने के आश्रम में जाना है, आप मुझे रोक नहीं सकते हो, मेरे साथ भगवान है। तो कहा माता जी आप नहीं जा सकते, आप वापस। नहीं, मैं अकेले, मेरे साथ भगवान है, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो आई, एक रिक्शा वाला आया, रिक्शा के अंदर बैठ गई, मैं जाऊंगी। 4 बजे सवेरे सवेरे बैठ गई। माता जी कहां जाना है? मुझे उस उधर जाना, आश्रम में। तो देखा दो मिनट के बाद रिक्शा वाले पीछे मुड़ के देखा, अरे इनके साथ एक बूढ़ा भी बैठा है, ये अकेले बैठी थी अंदर, ये बूढ़ा कब आके बैठ गया? तो वो क्या करते थे, बाबा मुझे आप जल्दी लेके जाना, आप जाना नहीं, मुझे आपसे मिलना है, मुरली सुननी है आपकी, मेरे मुझे ठहरना, जल्दी देरी हो जाएंगे, देरी कर रहा है, धीरे धीरे रिक्शा चलाता है, आप इसको सब बुद्धि को बाबा से बात करते रहते। और बाबा जिसके साथ बात करती है तो देखने वाला अकेले बैठी थी, बूढ़ा कैसा है? तो बाप जिसके साथ बात करते हो, बाप भी बच्चों का साथ देता है। उनको डर नहीं, कल पुलिस दूसरा कोई आके मुझे उतारे, उसने कहा पुलिस ने आप अंदर जाएंगे, आगे जाके आपको उतारेगा, वो जाना नहीं देगा। तो कहते बाबा आप मेरे साथ बैठना, मुझे कोई हाथ नहीं लगा, मेरे मुझे उतारे नहीं, मुझे आपके सवेरे योग में जाना ही है। तो बाबा बच्चों का साथ देता है, कैसे? इसको कहते चंद्रचार्य, बाप को अपने साथ रखो, बात करते रहो। किसके साथ बात कर रहे हो? हाँ, बाप, जिसके साथ बात करते हो वह आपके साथ है। घर से इधर आते हो, कभी माता ये कहती है भाई जी बहुत बंधन है। हाँ बंधन है, आप कभी दादी का अनुभव सुनना, कितना बंधन था, कैसे बाबा मदद कर रहा है, बाबा सब बंधन से छुड़ा दे रहा है, तब का भगवान सब बंधनों से मुक्त करता है। तो इस तरीके उससे बात करते रहो, बाबा आप के तो मेरे पास आओ, देखो ये पति छोड़ता नहीं, ये बच्चे छोड़ते नहीं, ये ऐसे करते हैं, आप बुलाते हो, आप कहते हो ऐसे करो, ये लोग देखो ऐसे कहते हैं, सेंटर में जाना नहीं देते हैं, आप बुलाते हो, आप ऊपर बैठे हो, ऐसे बात करते हो, बाबा आपको उठा के ले जाएगा जना। तो भगवान की उसको कहते हैं लगन, लगन में मगन रहो। तो भगवान बंधा हुआ है लेकिन वो हमारे अंदर लगन नहीं, नहीं ये बंधन डालते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा, हाँ तो सब करेंगे, है ना। देखो कृष्ण को जेल, उसको कृष्ण के माँ बाप को जेल में रखा, ताले बंद कर दिया, कितने ताले बंद कर दिया, है ना। तो सब ताले खुल गए, वो सब सो गए पहले वाले भी। तो भगवान अगर आता है सब बंधनों को, सबको तोड़ के आपको ले जाएगा, लेकिन आप उनके साथ जुड़े रहोगे, कैसे? मन से बात करते रहो, उससे बात करते रहो। बाबा आप कहते बुलाते हो, आप मुरली सुनो कहते हैं, घर वाले मुरली सुनने देते नहीं है, सेंटर में जाना देते नहीं, आप बुलाते हो सेंटर में आओ, आप कहते हो पवित्र हो, और ये लोग देखो पवित्र रहना नहीं देते, नहीं क्या करूं मैं, बाबा से बात करते रहो। तो भगवान अगर आया है वो आपका बंधन मिटाएगा, ले जाएगा। आप एक एक का अनुभव सुनो, जानकी दादी का अनुभव सुनो, निर्मल सत्ता दादी के बाबा की लड़की का अनुभव सुनो, दादी का अनुभव को भी पूछना कैसे बाबा निकाल के ले आता है ना। तो बाबा सब भगवान आया है लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं देखता है, बच्चों के रग गए लगी हुए तो नहीं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर देखता है, अगर नष्ट हुआ है उठा के ले जाता है, आपको पता ही चलेगा अरे बाबा ने कैसे कमाल किया। तो ये भगवान की दायन है, भक्ति नहीं है। भगवान असंभव को भी संभव कर सकता है, जो संभव ही नहीं है। तो इतनी ताकत है लेकिन बच्चों की रग देखता है, बच्चों की रग तो नहीं, इच्छा तो नहीं, कलयुग दुनिया की थोड़ी इच्छा है। तो देखो दो नाव पर पांव नहीं रख सकते ना, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, नहीं एक बल एक भरोसा, एक के बल पर चलते हो तो वो जरूर लेता है कि नहीं लेता है, बताओ माता जी बताओ, हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। जहां लगन है वहां कोई बंधन नहीं रहता है, और वो परीक्षा लेगा, परीक्षा लेकर के ले जाएगा। तो इसके लिए याद रखो कि मैं संसार में चलते हुए सत्य में जाना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो, लेकिन कर्म कैसे कर रहे हो,
जो कर कोई नहीं देखता, ना भगवान देखता है, ना कैमरा लगा हुआ है, कोई नहीं देखता है। हर एक के केवल कर्म अपने अंदर भरता है, उसी को तब कहते हैं अंत में यमराज आया। यमराज कौन आएगा, धर्मराज कौन है, कोई नहीं। अपने केवल कर्म उसके सामने भूत के रूप में आते हैं, डराते, देखो आपने ये कर्म किया, आपने ये कर्म किया, अंदर भरा हुआ है, उसी से मनुष्य डरता है। फिर अंत मती सोगती। तो क्या करना चाहिए अभी से, क्या करना चाहिए, कर्म पर ध्यान दे दो। कर्म खाना बनाते हो, सब्जी काटते हो, स्नान करते हो, घर में झाड़ू लगाते हो, संसार में रहो, गाड़ी चलाओ, खेती में काम करो, दुकान में काम करो, नौकरी करो, सब कुछ कर्म करो, कोई छोड़ना नहीं, कर्मों से संन्यास नहीं। लेकिन संन्यास किससे, अपने गलत विचारों से, अच्छे विचार धारण करो। कोई कोई मौन रखते हैं, मुख का मौन रखते हैं, क्या फायदा, मन में गलत विचार चलते हैं, मुख का मौन रखे क्या फायदा, फिर फायदा है, मन से नहीं, मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन मन तो बोलता है ना, मन जो बोल रहा है मुख से बाहर निकालने है, लेकिन मन तो बोल रहा है। मन का मौन चाहिए, मन में आज कोई भी देहधारी का विचार नहीं करूंगा, ये व्रत चाहिए। मनुष्य चीजें करते हैं, मुख से आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पिएंगे, मुख से बोलेंगे नहीं, क्या फायदा, मुख से नहीं बोलेंगे, मन तो बोल रहा है। तो मौन व्रत किसका स्टूल नहीं है, भक्ति वाला है, मन का मौन का, मन का मौन है ना, मन गलत विचार न करे, बाबा का ज्ञान का चिंतन करे, किसको भी मिले ज्ञान का ही सुनाए, इधर उधर की बातें मुझे नहीं सुनाना, पता होते हुए ये व्रत है। हम दूसरी चीज नहीं बोलते हैं, व्यर्थ बातें नहीं बोलते हैं, व्यर्थ बातें सोचते नहीं है, इसको कहते हैं मौन। तो कर्मों पर ध्यान देना, कर्म श्रेष्ठ है, हम कर्म करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए हैं, एक कर्म करने का धर्म है हमारा, लेकिन कर्म कैसे करते हो, श्रीमत के अनुसार कर्म करते हो तो एक का पदम गुना मिलेगा, मन मत से कर्म करते हो एक का एक गुना मिलेगा। अभी आप पूछेंगे, कभी बाबा मुरली में कहता है श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना, ये मुझे समझ में नहीं आया, माता जी सुनाइए, हाँ भाई बताओ, दूध में पानी तो मिक्स कर सकते हो, श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होता है, वो तो देखा ही नहीं, कौन सुनाएगा। श्रीमत में बाबा मुरली कहता है श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना, तो श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होगा, हाँ माता जी सुनाइए। वो कैसे मन मत कैसे मिक्स होगा, दूध में पानी मिक्स करते हैं तो पतला होगा, क्या श्रीमत पतला होगा, नहीं, तो क्या होगा उधर, हाँ अभी सुनना, अभी मैं उसका उदाहरण देता, जवाब आप देना, माता जी पहले देंगे। देखो बाबा दीदी मुरली सुना रहे थे, मुरली सुन बच्चे तन से सेवा करो, भाई जी मुरली सुनते 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 बाबा आज तन की सेवा नहीं हो सकती, मुझे नौकरी में जाना है, आज नहीं कर सकते। फिर दीदी ने मुरली सुनाई, दूसरा पॉइंट, बच्चे धन की सेवा करो, भाई जी ने देखा जेब में हाँ 100 रुपया है, बाबा आज धन की सेवा कर सकता, तो देखता हूँ चारों तरफ क्या सेवा करो, देखो सब थोड़े बच्चे बाबा के चेयर पर बैठे हैं, थोड़े बुजुर्ग माताएं जमीन पर बैठी है, तो सोचता है मन में कि 100 रुपया में एक चेयर आ सकती, कुर्सी आ सकती, तो सीधा उठ के मार्केट में गया, एक चेयर लिया, लाके सेंटर में रख दिया, धन की सेवा हो गई ना, तन की तो नहीं हुई। उसने कहा मुरली सुनते सुनते बाबा तन की सेवा आज नहीं हो सकती, नौकरी में जाना, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो बाबा ने तुरंत कहा बच्चे धन की सेवा करो, हाँ देखा जेब में 100 रुपया है तो धन की सेवा करता हूं, चलेगा ना। अब बताओ माता जी, मन धन से तो नहीं हुआ, धन से तो सेवा किया, मार्केट में जाके 100 रुपया में एक ही उसकी ताकत 100 रुपया है, एक चेयर लाके रख दिया, तो चलेगा नहीं चलेगा। माता जी का बाबा अगर मुझे सुनाता है, हाँ पिताजी बताओ, भाई बताओ, दीदी को पूछना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जगह है नहीं, कुर्सियां तो रखी हुई पहले से। श्रीमत दीदी का है कि बाबा का है, बाबा की मूल्य है ना, बाबा ने मूल्य में कहा स्त्री, स्त्रीमत है कि श्रीमत है, श्रीमत है, श्रीमत तो मूल्य है, मुरली के अनुसार किया। अब ये भाई दूसरा आया, ये कहता दीदी को पूछ लो, और बहनी कहती है नहीं जो कर रहे हो सही कर रहे हो, ये दो लोगों को दो अलग मुरली सुनाता है क्या। चलो माता जी सही बताती, माता जी बताओ क्या करना चाहिए, आपने कहा श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं, अभी मुरली में आया श्रीमत,
बच्चे तन से सेवा करो, नहीं बाबा नहीं कर सकते, सीधा सीधा बाबा ने कहा धन से सेवा करो, हाँ कर सकता हूँ, तो धन से सेवा किया तो गलत क्या होगा, चलेगा ना। चलो माता जी विशाल बताओ, हाँ उसके समर्थ 100 रुपए थे, एक ही चेयर ला सकते हो, सेंटर में 100 चाहिए, लेकिन उसकी ताकत नहीं, उसकी ताकत एक चेयर 1 लाख रखा, चलेगा ना, हाँ बाबा स्वीकार करेगा। देखो बाबा गुरु ने छुट्टी दिया, अब भाई बताओ, पिता गुरु बताओ, हाँ माता गुरु ने छुट्टी, बाबा स्वीकार करेगा, अब बताओ नहीं। इसलिए कहा श्रीमत में मन मत मिक्स कैसे होता है, समझ में नहीं आता, इसलिए उदाहरण दिया। देखो श्रीमत भाई ने सही बोला, लेकिन स्पष्ट करना चाहिए, श्रीमत मुरली है, मुरली सुनकर आप बाहर कुछ भी कर सकते हो, श्रीमत है। अगर यहां श्रीमत के अनुसार कुछ करना चाहते हो, यहां निमित्त कोई आत्मा है, इसकी व्यवस्था करने वाली कोई आत्मा है, तो उनको पूछना है, मुझे बाबा के मुरली से विचार आया, श्रीमत मिला कि बच्चे ढंग से सेवा करो, तो मेरे मन में विचार आया मैं 100 रुपया का एक चेयर लेके, अरे भैया बहुत चेयर है, रखने के जगह नहीं है, आप 100 रुपया भंडारे में डालो, एक का बदम गुना जमा हुआ। अगर आपने पूछा नहीं, मार्केट में जाके एक चेयर लाके रख दिया, पहले 100 चेयर है, रखने जाओ आपका कोई काम का नहीं, एक का एक गुना मिलेगा। अगर यहां कुछ करते हो तो निमित्त आत्मा को पूछना, ज्ञान सुनकर श्रीमत है, बाहर कुछ भी करो, ये किसी को समझ में नहीं आता। और एक उदाहरण बताता हूं, देखो दोनों भाई है, दोनों भाइयों के पास 100-100 रुपया है, और समझ करता देख, दोनों 100 रुपया दोनों एक ही बैंक में गए, और पहले वाले भाई ने दिया बैंक वाले को, दिया मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो, दूसरे भाई ने कहा मेरा 100 रुपया 1 साल के लिए बैंक में रख दो। अब 1 साल के बाद दोनों गए, इसको पहले वाले भाई को 100 रुपया दिया, दूसरे वाले भाई को 110 रुपए दिया, अब दोनों बैंक वाले से लड़ाई करने लगे, मैंने भी आपको 100 रुपए दिया था, उसने भी 100 रुपए, उसको 110 क्यों दिया, बताओ। हाँ इसमें होशियार है, थोड़ा पढ़े लिखे तो जवाब दे सकते, उसने 100 रुपया बैंक में रखा, सेविंग अकाउंट, कोई इंटरेस्ट नहीं, इसने क्या एक शब्द यूज किया, 1 साल फिक्स डिपोजिट हो गया है ना, 10% इंटरेस्ट मिल गया। आप कभी भंडारे में पैसे डालते हो, बाबा ये बहन जी ने कहा था सेवा के लिए पैसे डालो भंडारे में, तो बहन जी को याद करते हुए भंडारे में डाला, बहन जी देंगे रिटर्न। अगर बाबा को याद कर, बाबा ये आपकी सेवा के लिए बाबा ने वादा किया, एक का पदम गुना दूंगा, दोनों सेवा करते हैं, दोनों पैसे भंडारे में डालते हैं, एक की स्मृति में बहन जी ने कहा था, जिसकी स्मृति किसके स्मृति में सेवा कर रहे हो, एक के स्मृति में, शुभ बाबा ये आपकी सेवा के लिए, शुभ बाबा ने वादा किया एक का पदम गुना मैं दूंगा, जिन्हें वादा नहीं किया, कर्म दोनों करते हैं, किस स्मृति में कर रहे हो। पहले भी कहा माता जी घर में भी खाना बनाती है, फैक्ट्री में बहन जी भी खाना बनाती है, दोनों में अंतर क्या, माता जी खाना बनाते समय बच्चे के लिए ये अच्छा लग रहा, मेरे पति के लिए अच्छा लग रहा है ना, और सेंटर में बहन जी भी खाना बनाती है, तो उस समय बाबा को भोग लग रहा है, बाबा को क्या अच्छा लग रहा है, दोनों में अंतर है। सेवा वही, किस स्मृति में सेवा कर रहे हो, एक को पदम गुना, एक देवी बनकर के मंदिर में पूजा जाता है, एक माता जी सवेरे से रात तक झाड़ू लगा रहे, कपड़े धो रहे, खाना बना रहे हैं, दोनों में अंतर है। भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया, आपके कर्मों से देवी बन जाती है, एक और कुछ बन जाती है। अब शिव बाबा को याद करो, तो समझ में आया क्या करना चाहिए, कर्म श्रेष्ठ, कर्मों से संस्कार होता है, संस्कार से संसार होता है, संसार माना सुखी संसार, दुखी संस्कार, संसार क्यों मिला, ये हमारे संस्कार से होता है, अपने आप ना भगवान ना कोई ज्ञान सुनने से अपने आप नहीं मिलेगा, हम क्या रोज हम ज्ञान सुनते हैं, रोज बाबा को याद करते, मुझे ऐसा अच्छा संसार मिलेगा, नहीं इस धोखे में नहीं रहना, कि मैंने अच्छा रोज योग करते हुए भी, रोज ज्ञान सुनते हुए भी संस्कार कैसे बनाया, समझ में आया, ये माताओं के भाइयों के समझ में गया, आप 2400 घंटा ज्ञान सुनते रहो, 2400 घंटा योग में बैठे रहो,
संस्कार अगर परिवर्तन नहीं किया, जैसे थे वैसे ही होंगे। सिर्फ ज्ञान सुनने से कोई देवता नहीं बनता है, है ना। योग करते तो बैठे रहो, कुछ योग किया बाहर जाते ही गुस्सा आ गया, अरे मेरा चप्पल पहन लिया आपने, थोड़ा तेज आवाज हो गया, है ना। अंदर संस्कार है, वो संस्कार कैसे मिटाएंगे अभी आप बताओ। संस्कार को मिटाने की तरीका हमने जवाब दिया, अभी आपकी परीक्षा लेना पड़ेगा ना, कितने याद रखते हो कि भूल जाते हो। संस्कार मिटाने की तरीका याद से संस्कार नहीं मिटता है, सुना है। और अभ्यास तपस्या का याद, योग और तपस्या, याद से संस्कार भस्म नहीं होते हैं, है ना। हाँ, दोबारा पाप नहीं बनता है, योग से पुराने पाप मिटता नहीं, दोबारा नहीं बनता है। अमृत मेरे शान को बीज रूप से ही, योग अग्नि ज्वाला स्वरूप का, अग्नि में कोई बीज डालो फिर उगेगा वो। अग्नि कहा इधर है, अग्नि वहां परम धाम में। बाबा ने कहा मन और बुद्धि मेरे से जोड़ो तो करंट मिलेगा, है ना। उसके साथ जोड़ते हो, वो भी नहीं बताया कि आत्मा का चिंतन करते करते परम धाम में शुभ बाबा से बात करके रहते हो 15 मिनट आधा घंटा, दूसरे कोई विचार नहीं आते, क्योंकि मन भी बिजी बुद्धि भी, मन भी प्रश्न करता है बुद्धि भी जवाब देता है। ये दोनों कितना मिनट, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक आपके अंदर देहधारी के विचार नहीं आया, सेवा का भी विचार नहीं आया, सिर्फ आत्मा का चिंतन और परमात्मा, आप और बाप के बीच में कोई नहीं आया, उसको कहते एक रस अवस्था, उसको कहते एकाग्रता, उसको कहते योग अग्नि, उसको कहते ज्वाला स्वरूप, ज्वाला अग्नि, तो भस्म हो जाता है। सिर्फ ज्ञान सुनने से, बाबा को याद करने से नहीं, योग अग्नि चाहिए। इसलिए आपको तीनों विधि बताया, याद चलते फिरते कर, मेरे से दोबारा पाप नहीं होना चाहिए, यो सब संबंध, मेरा बाप है, टीचर है, मेरा बेटा है, मेरा सदगुरु है, सब संबंध जोड़ो। क्योंकि नहीं तो किसी को, जिसको बच्चे नहीं तो बच्चों की याद आती है, किसी को पति की याद आती है, किसी को और माँ की याद आती है, इस संबंध, तो ये एक भगवान से संबंध जोड़ो। लेकिन उससे भी पहले जो किए हुए पाप है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, अग्नि नहीं जलाने के लिए, तो योग अग्नि चाहिए, उसका नाम तपस्या। वो दो दफा सवेरे 15 मिनट, आधा घंटा शाम को 6:30 से 8 बजे तक बैठते हो, किसके लिए हो तपस्या कर रहे हो, अपने विकर्म विनाश करने के लिए। हम इस रूहानी हॉस्पिटल में क्यों आए, भगवान को जरूरत नहीं, हमारे बीमारी मिटाने के लिए। कौन सी बीमारी है, बुरे संस्कार, बुरे स्वप्न आते हैं। जिस दिन 5 विकारों के स्वप्न आना बंद हो गया, तब समझना हम फरिश्ते बन गए, कर्मातीत बन गए, कल शरीर छूट जाए कब देवता बन जाएंगे। अगर उसके पहले शरीर छूट गया तो कहां आना पड़ेगा, सत्य में जाने सकेंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा यहां, है ना। तो जन्म लिया तुरंत शरीर छूट गया, तो ये किए हुए कर्म भोगने का तरीका है। इसको शास्त्रों में कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे, जनन जनन मरण के चक्कर में बार बार आना पड़ता है, क्यों अंदर पाप भोगने का तरीका है। पाप कैसे, क्यों बार बार एक्सीडेंट होता है, क्यों बार बार बीमारी आ जाए, तो पाप अंदर है, जनन मरण, तो पाप मिटाने का तरीका। अगर पुण्य आत्मा है कम जन्म, सिर्फ 8 ही जन्म, है ना, सत्युग से त्रेता सत्युग अंत तक 8 ही जन्म, वही कलयुग में 40-42 जन्म, क्यों पाप अंदर ज्यादा, जन्म ज्यादा, जन्म मरण मरण दुख। तो क्या चाहते हो पूछना, किसी के लिए नहीं कर रहे हो आप, किसी के लिए ज्ञान सुनते नहीं हो, किसी के लिए योग नहीं करते हो, अपने लिए करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई दिखता नहीं मुझे, नहीं किसी के लिए नहीं, अपने जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। जाते समय क्या ले जाएंगे पूछना रोज, मैं किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए मुरली सुनने आते हो, किसके लिए योग करते हो, किसी के लिए नहीं, कारण बताएंगे, बच्चे बीमार थे, आज ये था, आज वो था, किसको बता रहे हो, अपने तकदीर को बताना है ना, ये याद रखना।
कभी कारण बताते हैं, आज ऐसा था, आज ऐसा था, किसको बता रहे हो? अपने तकदीर से, अपने तकदीर बनाने का सारे कलम के अंदर एक समय है। चाहे तकदीर को ऊंचा बनाओ तो तकदीर को बिगाड़ो आपके हाथ में, तब कहते हैं तकदीर भविष्य आपके हाथ में, जैसे चाहे वैसे रेखा खींच सकते हो। तब बाबा ने कहा बच्चे कलम आपके हाथ में दिया है, कितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हो खींच सकते हो, क्योंकि भगवान डायरेक्ट रोज पढ़ाता है बच्चे ऐसा करो ऐसा करो, उसके कहने अनुसार अगर करते हो तो जो चाहे बन सकते हो। अगर उसके कहने अनुसार नहीं करते बाबा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, अपने मन से करो, जो करेंगे वही मिलेगा। समझ में आया? किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी के लिए नहीं जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए कुछ कर। समय में ऐसा नहीं बोलना कि 24 घंटे हैं, 23 घंटे आप जो चाहे करो, आधा घंटा अपने भविष्य की जमा करने के लिए समय निकाल। माताएं निकालती है, माताएं मेहनत करती, माताओं की संख्या ज्यादा है, तब भारत माता कहा इसमें नंबर वन हो, लेकिन उसमें और थोड़ा ऐड करो, माता सिर्फ नहीं जगत की माता है ना, माता के सिर्फ माता कहकर ऑर्डर ही हो गया, कौन सी माता, सारा जगत की नजर वो आपके ऊपर, कुछ दिव्यता लाओ, कुछ स्वच्छता लाओ, कुछ मर्यादा ऐड करो। सोना तो है, उस सोने को थोड़ा चमक दे दो, दूर से चमक जाएगा है ना, वो चमक मर्यादा स्वच्छता। अगर माताओं के अंदर कल कहा पवित्रता कौन सी, मैंने शादी नहीं किया ये पवित्रता नहीं, घर स्वच्छ है ना, खाना स्वच्छ, दो तीन दिन बना हुआ कल बना हुआ वही खिला रहे बच्चों को नहीं, थोड़ी मेहनत करो ताजा ताजा बना के खिलाओ है ना, घर में सफाई रखो, सवेरे उठते ही पति बच्चे स्नान नहीं करते, आप स्नान करने के लिए किचन में जाना नहीं, उनको बोलना नहीं, वो देखेंगे दो दिन ऐसे आएंगे, तीसरे दिन देखेंगे बच्चे भी मम्मी सवेरे उठते स्नान करके किचन में आती, हमको भी ऐसे करना है, बोलना नहीं बार 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 बार, मैं आप करके दिखाओ, बच्चे सुनेंगे नहीं, पति भी नहीं सुनेगा, ये माता जी कहां से सीखे सवेरे उठे स्नान करो ठंडी में, कुछ बोलना है आप करो, आपको देखकर एक दिन एक महीना लगेगा, अपने आप देखकर परिवर्तन, सिखाने का तरीका है, बोल से परिवर्तन नहीं होता, करके दिखाओ। हो सकता है कि कठिन माताएं कहो, हाँ माताएं तो अच्छे हो, बाबा भी कहता है बहुत माताओं को, लेकिन थोड़ी सी चमक चाहिए, थोड़ी मर्यादा चाहिए, स्वच्छता चाहिए, अगर ये करेंगे तो भारत कल स्वर्ग हो जाएगा, पहले कहां कानपुर में स्वर्ग आएगा, पता है आपको, पता है बाबा रोज मुरली में कानपुर को याद करता था, कभी मुरली सुनना साकार नहीं, क्यों याद करता था पता है, कानपुर से कम मैंने सुना याद है 10-12 युगल कानपुर से निकले हैं, सबसे शुरू में युगल का युगल, उसमें भी 4-5 तो मुझे याद है वकील, 4-5 वकील युगल अकेले नहीं, दोनों युगल युगल जो निकले हैं वो कानपुर से है, और बाबा भी आकर के मोती झील है इधर, वहां बाबा भी एक एक महीना आकर के रहता था गेस्ट हाउस का, उसमें बाबा आके रहता था गेस्ट हाउस में, तो कानपुर इतना सेवा का बहुत महत्व है, सेवा में जो निकले युगल युगल निकले अकेले नहीं, तो ऐसे कानपुर को चमकाने वाले आप है ना, बाबा भी याद करेगा, तो कुछ करके दिखाओ, लक्ष्मी अकेले नहीं आओ, पति को नारायण को भी लेके आओ, उनको भी चलाओ, लक्ष्मी चला सकती है, समझा सकती है, वो हिम्मत चाहिए, आज नारायण अकेले आते हो कि लक्ष्मी के साथ आते हो, जो लक्ष्मी नारायण दोनों है हाथ उठाओ, हाँ लक्ष्मी नारायण दोनों है, और अकेले अकेले नारायण चलेगा, अभी लक्ष्मी कमजोर है कि नारायण कमजोर है, भाई जी जवाब देने वाला भी सिर नीचे करता है, अरे अभी जवाब दे दो, अकेला दे हो लक्ष्मी को लेके नहीं आते हैं जवाब देने वाला भाई, हाँ अभी बोलते रहे हो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को लेके नहीं आगे वाला, लक्ष्मी नहीं को लेके नहीं आते हो, हाँ बताओ जो जवाब देता था आप लक्ष्मी का अभी जवाब ही नहीं देता, हाँ लेके आते हैं लक्ष्मी को लेके नहीं आया, तो नारायण कमजोर है लक्ष्मी कमजोर नहीं है, ना लड़ाई नहीं होगी, माता जी को बोलो माता जी आप सवेरे पूजा करो, छोड़ो नहीं बोलना, सवेरे पूजा करो, शरीर का धर्म करो, आत्मा भी है, आत्मा के लिए शाम को ज्ञान सुनो,
दोनों करो, पूजा के लिए मना नहीं करना, आपको भी बुलाया आप भी करो, आप भी मंदिर में जाओ, फिर वो आपको भी साथ देंगे, सवेरे पूजा करो शाम को आत्मा के लिए पूजा करो, है ना, मना नहीं करो, शरीर को खाना खिलाओ, आत्मा के लिए क्या करते हो, पाप आत्मा पुण्य उसके लिए उधर दवाई मिलती है, मनेंगे, तरीका है, नारायण होशियार है ना, हाँ तो आप लक्ष्मी को लेके आओ, ठीक है कल लेके आना, हाँ लक्ष्मी नारायण दोनों जो सत्य में पास तभी मिलेगा, अकेले नारायण को जाने मिलेगा नहीं, अकेले लक्ष्मी आएंगे तो मिलेगा, लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए, ग्रस्त धर्म है, ठीक है समझाना पड़ेगा, किसी के लिए मना नहीं करो, हाँ तुमको जो चाहिए वो भी करो, ये भी करो, चलेगा ना, सवेरे पूजा करो शाम को आत्मा की पूजा करो, दोनों कर सकते हैं ना, कि छोड़ देना चाहिए, दोनों कर सकते हैं ना, सवेरे कार को सफाई करो, पेट्रोल डालो, ड्राइवर को भी पेट्रोल पिलाएंगे क्या, ड्राइवर का खाना अलग है, शरीर के लिए पूजा करो, जो कुछ करो, शाम को आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, बीमारी मिटाने के लिए यहाँ दवाई मिलती है, इस मंदिर में शरीर सवेरे शरीर को स्वच्छ करने इस मंदिर में दवाई मिलती है, दोनों चाहिए, मंजूर ठीक है, और ये कुछ पूछ रहे हैं, हाँ अभी आपके मन के प्रश्न होगा, थोड़ा आपको भी सुनना चाहिए, आप बोले ना भाई जी की वहाँ पे सत्यु में लक्ष्मी नारायण दोनों को पास मिलेगा तभी एंट्री होगी, अब महात्मा ये क्या करेंगे, सुनो उसने अच्छा जवाब पूछा, देखो लक्ष्मी नारायण सत्य में जाएंगे तो उनका एक बेटा एक बेटी होंगे, कुमार बेटा के रूप में आएगा, कुमारी बेटी के रूप में आएंगे, नहीं पहले शरीर आएंगे तो लक्ष्मी नारायण ही, उधर जाने के बाद लक्ष्मी नारायण के दो बच्चे हैं, एक बेटा आप कुमार आएगा, एक बेटी कुमारी आएंगी, लेकिन जाते समय लक्ष्मी नारायण हो गए ना, फिर उसके बाद हाँ कुमार ऐसे सुनना हमारे हम क्या है, नहीं आप कुमारी रहो, लेकिन श्री कृष्ण के पहला नंबर बच्चा बनेगा, ठीक चलेगा ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ऐसा माता जी का आपके दीदी ने आपको बनाया, अच्छा दीदी ने आपको ज्ञान दिलाया, दीदी इतनी होशियार है, देखो आपके शुरू में आपके सेंटर में अब आती नहीं तो यहाँ पे रहती है, हम छोड़ना नहीं कभी भी, आज बाबा ने कहा बाबा से रूट के मुरली मिस नहीं करना, हाँ किसी के टीचर से रूटना नहीं, अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, देखो बाबा ने आपको समय दिया, बच्चे इसी जन्म को आप 84 जन्म कर सकते, इसी जन्म में किया हुआ पूरा पाप मिटा, अगर मिटाया नहीं आपने तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, मिटाने के अंदर जा नहीं सकते हो, तो इसी शरीर में आप 84 फुल स्टॉप लगा सकते हो, पूरा योग अग्नि तन मन धन सेवा से अपने पाप मिटाकर आप सीधा शरीर छोड़ा, सीधा सूक्ष्म गए रंगाम गए सीधा सत्य गए, अगर आपने पाप मिटाया नहीं थोड़ा रह गया तो ब्राह्मण परिवार में क्या मिलेगा, लेकिन उस परिवार में जन्म में आएगी तो दो भी 5 साल तो चला जाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं, फिर थोड़ा सुना जाएंगे ज्ञान थोड़ा सुना, तो ब्राह्मण परिवार में आई ज्ञान सुना तो फिर अगर उधर भी योग नहीं किया फिर रह गया, फिर दूसरा शरीर छोड़कर और लेना पड़ेगा, ये शरीर लेना न लेना आपके हाथ में है, 84 जन्म बनाना या और जन्म लेना वो आपके हाथ में, आपको मिटाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तो पाप मिट गया कलेश खत्म, आप चले जा सकते, मिटाए नहीं दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब बाबा कहता है बच्चे 20 लाख रुपयों का जोर लगा फिर भी नहीं हुआ, तो बाबा देखता है बच्चे सिंसियर है, एक दिन में मिस नहीं करते, लगन है रोज करके, बाबा अंत में मदद करता है ना, अगर बच्चों की लगन देखता समझदारी देखता देख करके बच्चे अगर फेल भी होने जा पता चलता है बाबा देखता है तो बच्चे अच्छे हैं तो बाबा अंत में मदद कर हिम्मत है बच्चे मदद भगवान की मिलती है, और बताओ और कोई रह गया, हाँ बाबूजी आ गए, हाँ बाबूजी उधर से पूछ लो,
चिट्ठी चिट्ठी इनको दे दो ये पढ़ लेना है। और माता बताओ संतुष्ट हो गए सभी भरपूर हो गए? अभी क्या करके दिखाना पड़ेगा, ये भट्टी का रिजल्ट निकलना चाहिए। ऐसे नहीं भट्टी करो ज्ञान सुनाओ चले जाओ, हाँ हाँ कुछ करना, क्रोध मुक्त होना चाहिए। और दोबारा जब मैं आऊं तो कोई भी लाइन से एक भी डिफेक्ट, नंबर वन हमने आज तक एक सेंटर देखा, सारे विश्व में इतने सेंटर देखे, एक सेंटर देखा एक जगह टीचर आके खड़े, टीचर ऊपर से बोलते नहीं है माता ये लाइन में खड़े हो, कुछ नहीं बोला, टोली देने लग गए, सब भीड़ आ गए, मैं ये फटाफट उठ करके नीचे जाके खड़ी हूं, अपने आप लाइन लग गई है ना, बार बार माता लाइन में आओ लाइन में, अनाउंसमेंट नहीं, बोलने से नहीं होता। टीचर जो टोली देकर मैं दे रहा था वो खड़ी बैठी थी, छोड़ के अपने आप नीचे जाके खड़ी हो, चुपचाप सबके सामने, कुछ नहीं बोला किसी को, अपने आप सब लाइन खड़े हो, है ना, मास्टर जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट, वो खड़े हो गए, एक भी आगे नहीं आए, तो ऐसे करना पड़ेगा ना, बोलने से सुनते नहीं है, छोड़ के स्टेज छोड़ के जाके खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो, कोई हिम्मत नहीं करेगा टीचर को आगे करके आगे आ जाए, तो ये कर्म करके दिखाना, तो ऐसा कुछ परिवर्तन करके दिखाएंगे ना, करेंगे ना, क्रोध मुक्त होंगे। बाबा के एक महीना बाबा को आज चिट्ठी लिख के लेके जाना, बाबा एक महीने के क्रोध को बांध के रखना, हमारे पास भेजना नहीं, ठीक है, एक बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम रखो। अच्छा पूरा रामायण है भाई जी, मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, रामायण अच्छा पढ़ा है क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको इतनी समझ में, सीता को सीता किसी ने कहने से सीता को जंगल में छोड़ दिया है, आपकी लड़की अगर किसी ने कहा बाबूजी आपकी लड़की ठीक नहीं, आप उनको जंगल में छोड़ के आएंगे? सोच लो, अपने जीवन में लगा कहानी लिखा बहुत कुछ है, लिखने वाले ने कुछ लिखा, आपको अगर आपकी लड़की है किसी ने कहा बाबूजी आपकी लड़की ठीक नहीं है, आप उनको जंगल में छोड़ के आएंगे? आज पूछ लो अपने आप, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और वो किसी ने धोबी ने कहने से अपने वाइफ को सीता को जनक की पुत्री कितने राजा जनक की उनको जंगल में छोड़ के आएगा? सोचने की बात है, लिखने वाले ने बहुत लिखा, पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं, हमें थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, तो आप सोचना ये रामायण किसने लिखा, ऐसी बात कैसी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए ऐसे कलंक लगाया, ये किसने लिखा, कौन था वो, ढूंढो इस पे मन लगाओ, तो तब आपको समझ, पूरा रामायण पढ़ना, रामायण में सबसे पहले एक श्लोक आता है क्या रामायण कैसे बना, सबसे पहले आप पूरे 7 वॉल्यूम्स है, 7 किताबें है, उसके पहले एक स्टोरी का कहानी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक साधु के एक चेला था, उसने काला काला उल्टी किया, तो उस चेले ने दूसरे को बताया, अरे उस साधु के चेले ने देखो काला काला उल्टी किया, उसने तीसरे को बताया, तीसरे को बताया काला काला, चौथे को बताया काला काला जाके कौवा कौवा हुआ, पांचवे को उसने बोला अरे उसके पेट से कौवे निकले, तो एक निकला अरे पेट में कौवे कैसे आए, पूछता है उसने उसको पूछा आपको किसने कहा, मुझे इसने कहा, उसने कहा आपको किसने कहा, मैंने कौवे नहीं कहा था मैंने काला कहा था। सुनी सुनी बातों से रामायण बना हुआ है, तो ये कहानी शुरू में लिखते हैं महाभारत के अंदर, तुम रामायण महाभारत अच्छे से पढ़ना चाहिए, आधा घड़ा आवाज करते हैं, बाबू जी समझ में आया आपकी बात अच्छी है, ये फिर हम आपसे अलग मिलेंगे। हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम को ऐसा किसने किया, ऐसा किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा और किसने, तुलसीदास ने लिखा, तो वो कहा था उसने तो राम को देखा ही नहीं, कैसे लिखा, तो मनुष्य ने कुछ नहीं, किसने लिख दिया, हम पढ़ रहे हैं, वो सही है गलत है निर्णय करने के बुद्धि दी है, तब बाबा कहता है बच्चे अपने बुद्धि से निर्णय करो, मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ बैठा है, आप देखा मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ बैठा है, देखो कैसे से कहाँ से कैसे इतने बड़े सेंटर बनाए, इतने सबको इकट्ठा किसने किया, इनके जीवन में मर्यादा है, बाप भगवान आके ऐसे तैयार करता है, तब कहते राम राज, राम का राम कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी मर्यादा से चलने वाले इधर खड़े हैं।
बहने कितनी है, ये सब कौन बैठे हैं, ये सब मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के पुरुषार्थ कर रहे हैं, लाइन में लगे। ठीक है, और बताए कि सुना, और किसके पास प्रश्न है भाई बताओ। ठीक है बताओ, कुमार बताए। स्थिति से विकर्म विनाश होते हैं, अभी आपने बताया, तो वो स्टेज मतलब कौन ही होगी, उसकी निशानी क्या है, बताया। हाँ, हिसाब किताब बराबर हो चुके हैं। हाँ, अभी बताया, कल बताया था, बीज हरा, बीज ऊपर है ना, है ना, यहाँ से बीज के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, विधि बताया, बैठ कर आत्मा समझकर, करंट उधर है, ये दो तार वहां जोड़ेंगे तो करंट आएगा ना, बीज सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, ये सब झाड़ है, बीज ऊपर है, पानी अगर झाड़ को चाहिए कहां से मिलेगा, पत्ते से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा, तो बीज के साथ जोड़ो तो सर्वशक्तियां प्राप्त होंगी, वो शक्ति आपके आत्मा के अंदर जो पाप है, जो आधा कलप के बाद बनाया, पहले नहीं, आपने सफेद कपड़े पहना, बाद में रंग कैसे लगा, ये द्वापर युग के बाद लगा, उसको मिटा सकते, ये सफेद को मिटा नहीं सकते, है ना, तो सफेद आत्मा सफेद है, उसके ऊपर जो काले दाग उसको मिटाओ, उसको मिटाने के लिए बाबा साबुन देता है, ज्ञान और योग, तो वो योग क्या है, उसकी विधि लगा, साबुन ऐसे लगाओ नहीं घिसना चाहिए, तो विधि लगाए, कैसे बैठ के आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, इस विधि से अगर लगातार एक दो महीना छह महीना करते हो तो दिखाई दे रहे हो, स्वप्न बार बार आता रहा है, अभी आना कम हो गया, अब भी करते रहेंगे तो सदा के लिए चला जाएगा, तब विश्वास होगा, ये गोली खाने से, ये योग करने से ये बीमारी मिट गई, दो साल से मैं डॉक्टर की दवाई ले रहा हूं, सिर दर्द गया है, नहीं है, दोबारा जाएगा उसके पास, नहीं ये डॉक्टर ठीक नहीं, गोली भी ठीक नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, है ना, तो निश्चय कैसे होता है, प्राप्ति से निश्चय होता है, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ किया, बिना दवाई ले ले बीमारी नहीं जाएंगी, डॉक्टर ने कहा था ये गोली खाली पेट लेना, आपने कहा पेट तो एक ही है ना, भूल गया शाम को लेता हूं, नहीं, दवाई विधि पूर्वक दवाई लेते हो उसकी प्राप्ति भी सिद्धि भी प्राप्त होती है, हम विधि पूर्वक नहीं करते, सवेरे भूल गए शाम को लेते हैं, एक घंटे के बाद लेते हैं, सवेरे दवाई का असर अलग है, शाम को दवाई का असर अलग है ना, तो विधि है, सिर्फ बाबा को याद करने से नहीं, शास्त्रों में सुनाया विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका, आपको मैं 24 घसालों से योग करता हूं, अभी क्रोध ही नहीं गया, कब जाएगा, या योग ठीक नहीं, या भगवान ठीक नहीं, या दवाई ठीक नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या ठीक नहीं है, मेरी यूज दवाई लेने की विधि ठीक नहीं है, ठीक है, विधि बताया, हाँ बाबू जी आपसे मैं बाद में मिलता हूँ, आपका अच्छे से मिलता हूँ, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है उसे मनसा सेवा द्वारा खो कि ये बाबा का बच्चा है, इसका परिणाम क्या होगा, अभी देखो घर में वाइफ पति कहता है हमारे बाप युगल सदा बोलते रहते, गुस्सा करते, सदा नमक कम डालते खाने में, इनका स्वभाव ठीक नहीं, माता जी कहते हैं हमारा पति गुस्सा करता है, सुनता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो क्या करे, प्रश्न करे क्या, तो बाबा ने विधि कहा ये मेरा पति नहीं, ये शिव बाबा आपका बच्चा, इस बच्चे को सदबुद्धि, इस बच्चे को शांति की शक्ति, चलते फिरते सारा दिन नहीं तो याद आता है, देखो ये पति ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, यही चलता है, उसके जगह पर बार बार बोलते रहो बाबा से, बाप से, बाबा ये मेरा नहीं ये आपका, इसको आपने सुधारना है, मैं सुधार नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ पति भी कहेगा हमारी वाइफ देखो रोज नमक ज्यादा डालती है, कम डालती है, ऐसी करती है, सुनती नहीं है, ये ऐसा है, हाँ आप भी मन में उनके प्रति क्या कर सकते, दवाई दे दो, दवाई माना दुआ, जो बाबा ये आपके बच्चे, मैं इसको सुधार नहीं सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, आपके बच्चे आपने सुधारना, आप कहते गुस्सा नहीं करो, गलत नहीं बोलो, संसार को मैं तोड़ना नहीं चाहता, जोड़ के रखना चाहता, तो इसके लिए आप कुछ करो, बाबा से रोज एक महीना लगेगा, एक छह महीना लगेगा, समय दाग मिटाने के लिए टाइम लगता है ना, तो लेकिन आपने जो पुरुषार्थ किया वो कभी खाली नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल, भगवान के घर में अंधेर में थोड़ी देरी होती है कि मिटाना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन फल मिलेगा, आप उनके लिए कभी कोई पूछेगा अरे आपके पति ऐसे नहीं, वो हमारा पति तो देवता है,
आपको पता है बहुत गुस्सा करता है, शराब भी पीता है, कभी बोलना भी नहीं किसी को, नहीं हमारा पति तो देवता है। अच्छा बात करो, अगर कोई पूछेगा भाई जी आपकी युगल तो ऐसी है, नहीं नहीं वो तो हमारे घर की लक्ष्मी है, महिमा करो। अगर किसी को आप ऐसे कहते तो मेरी युगल ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, कल उसको पता चलेगा किसी ने द्वारा बोलता है आपका वो ऐसे बोलता है, मेरी ग्लानी करते हो और दुश्मनी बढ़ती है, दुश्मनी हम बढ़ाते हैं, पता नहीं चलता मुख से निकल रहा है, किसी को पूछेंगे हाँ मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, ये देवर ऐसा है, ये सास ऐसी है, एक दूसरे को बोलते हो तो कल उनके कान में आता है मेरी बहू ऐसी है, तो बोलते हो तो वो कल सास मेरी ऐसी बदनामी करती है और उनके अंदर जोश पड़ता है। तो पता होते हुए बुराई पता होते हुए भी वर्णन नहीं करना संभव है, ये इतना सहज नहीं है, तो ये यही पढ़ाई इस ईश्वरीय विषय पता होते हुए भी जानते हुए भी बोलना नहीं, बोलना भी उस मन में आया, जो मन में आया वो मुख में आया, मुख में आया कर्मों में आया, कर्म भ्रष्ट बन गए। पहले मन को समझा, मन में आ रहा है अरे ये बेटा ऐसा है, ये पति ऐसा है, ये देवर ऐसा है, ये सास ऐसा है, ऐसी है, आता है मन में आया, आज नहीं तो कल मुख से आएगा, मुख से आया कर्मों में भी आएगा, तो जानते हुए समझते हुए कर्म भ्रष्ट होते हैं। तो क्या करें, तब कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन राज योग है, नंबर वन पवित्रता, कुछ भी नहीं मन में। गीता में कहा अधम से अधम महापापी है, पत्थर माना चाहिए नहीं, दया क्षमा, कैसे दया क्षमा है बाबा, ये पाप का बच्चा है इसको आप सुधार सकते हैं, मेरे पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं ना ऐसा फूल है, मैं उसके ऊपर चढ़ा लू उसको देवता बना, तो बनाने वाला आप, ये आपका बच्चा है, रोज चलते फिरते मन में एक धुन लगे रहे, जब जब मन में गलत विचार आ रहा है नहीं बाबा आपको इसको ठीक करना है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर उसको ठीक करना है आपको ही करना है, इसको कहा एक बल एक भरोसा, एक बल भरोसा रखो, आज नहीं तो कल, समय लगेगा तो भगवान जरूर मदद करेगा, अगर भगवान नाम कोई है सृष्टि पर आया है तो जरूर सुनता है, लेकिन अंधेर में होता है, देरी होती है, हो सकता है इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत निश्चय रखना पड़ता है, 10 दफा पाव फिसल जाएगा, 1 दफा बचाएगा। देखो द्रौपदी को भी अंत में आया, पहला नहीं आया, पहले आता था ना नहीं, अंत में वो देखता है तुम्हारे निश्चय कितना है, अंत में भगवान मदद, पहले आपने किए हुए कर्म भोगना पड़ता है, वो भोगने के बीच में आता नहीं है, तुम्हारे कर्म तुम्हें भोगना है, भोगना खत्म हो गया तब भगवान मदद करता है, ये भी कर्मों की गति जाननी चाहिए, ठीक है। ओम शांति। उसने कहा बाबा भगवान आपने सास ने बहुत अच्छा काम किया, एक मेरा पाप नाम और खत्म कर दिया, अगर मेरी गिलानी की किसी ने कोई जो गिलानी करने वाला वो मेरे पापों को खत्म करता है, इसलिए कभी भी किसी की बात का कोई हमारे साथ गलत व्यवहार भी करे, हमारी चुगली भी करे, हमारी निंदा भी करे, तो भी क्या कहा जाता है निंदक मेरे राखी रखी ताकि वो हमारी गलतियां हर समय निकालता रहे, तो हमारे पाप कर्म बस होते जाएंगे। सुना अब इसके ऊपर दादी के समय का मैं कहानी प्रैक्टिकल सुनाता हूँ। देखो शुरू में कराची में दादी भी आपकी टेलर सिलाई सिखाती कहते सीखा, तो कराची में जब गुलजार दादी आई उनके माँ ले गए 2 बच्चों छोटे छोटे बच्चे, तो सबको बच्चे बाबा लेके आए और बाबा के तथा की थोड़ी माताओं से कहा उनको टेलरिंग सिखाओ, फिर बाबा को की धुनी करता था, वो जैसे अभी आपने क्या छोटे छोटे बच्चे क्लास में जाते थे, राम लीला देखते थे, श्री कृष्ण की लीला देखते थे, सत्युग देखते थे, नाचते थे, तो एक भाई देखता था तो वो टेलरिंग सिखाने आता था, तो वो देखता था ये सब हॉल में सब नाच रहे डांस कर रहे, ये कौन सा राज हो गया, वो जाके बाहर पत्रकारों को बताता था कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा हो रहा है, तो पत्र में न्यूज़पेपर में लिखते थे ब्रह्मा कुमारी में ऐसा चल रहा है, बहुत बदनामी हुई, अमेरिका तक गया, हो गया बदनामी हुई बहुत, अब
वो बुजुर्ग हो गया 80 साल का हुआ, गुजरात में बड़ौदा में उसके बच्चे आए, तो पाकिस्तान से वो भी बड़ौदा में रहा। तो बड़ौदा में आज से 5-10 साल में होगा, 5-6 साल हो गए, तो वहां प्रदर्शन लगाई, तो वो देखने के लिए गया, अरे यही दादा जिसकी मैं बदनामी करता था, मैं जाके पत्रकार को बताता था, तो ये ज्ञान सब सुना और बहन जी को कहा, बहन जी मैंने बहुत पाप किया, मुझे बाबा से मिला, मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं इनकी सब गलत बातें पत्रकार वालों को बताता था, इसके कारण बहुत बदनामी, मुझे माफ करो, ये ज्ञान इतना बड़ा बाबा ने इतना किया। तो कहा ठीक है, माउंट अबू अभी बाबा तो नहीं है, गुजरात आने के तन में आकर आपको ले जाएंगे। तो एक दिन लेके आए और स्टेज पर लेके गए, बाबा मैंने आपको समझा नहीं, मैंने आपकी बहुत निंदा किया, मेरे दोनों हाथ काट लो। ये दोनों हाथों ने पेपर में लिखने के लिए लिखा, लिख के देता था मैं, मुझे आज 20,000 दे दो, दोनों हाथ काट लो। बच्चे वो हलचल नहीं, आपने महसूस किया ना, यही आपके लिए सजा है। महसूस भगवान सजा नहीं देता, माफ करता है। आपने महसूस किया कि मैंने गलत किया, ये तो मनुष्य गलत करने के बाद भी महसूस नहीं करता है, मैंने नहीं किया, है ना। इसलिए कहते हैं आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी चेंज, महसूस करने के बाद ही परिवर्तन होता है, पश्चाताप कहते हैं इसको। तो उसने पश्चाताप किया कि मैंने गलत किया, मैं माफी मांग, अभी 80 साल का हो, गलत कितने साल, बाबा ने कितना साल किया, अमेरिका में तब गया न्यूज़पेपर में, है ना, कौन सुनाता था, ये व्यक्ति आता था अंदर देखता था, तो बाबा ओम की धुनी करता था शुरू में, सब छोटे छोटे बच्चे ट्रांस में जाते थे, अभी भी मधुबन में हो बाबा के पहाड़ी पर जाते छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे ट्रांस में जाते हैं बाबा की पहाड़ी, मधुबन में सुना ना, छोटे बच्चे स्कूल के आते हैं तो वहां बाबा के पहाड़ी पर ले जाते, तो वहां योग करने के लिए बिठाते हैं, कितने बच्चे ट्रांस में जाते, ऐसी पहाड़ी है, ऐसी बाबा की देन है। तो ऐसे बच्चे भी कोई निकलते हैं बदनामी करते, किसकी, भगवान का निंदक थॉर ना, वो पता चला उनको तो भगवान नहीं दिखाई देता था, उनको दादा ही दिखाई देता था, अभी कोई कहे दादा ही है, भगवान नहीं पता चलेगा किसी को, दिखाई देगा अरे दादा के मनुष्य का चित्र रखा है, लेकिन वो कौन मनुष्य है। तभी आपको मैंने कल कहा था स्वामी नारायण का एक गुरु था, तो उसने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा था बनारस में पढ़ता था, तब मुझे ज्ञान सुना, अरे ब्रह्मा कुमारी का दिमाग ठीक नहीं, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, शिव भगवान है। तो मेरे मन में बहुत विचार था, मैं कैसे समझाऊं इनको, कैसे ठीक करूं। तो अभी 5-10 साल हो गया होगा तो मिला, तो उसने कहा आप लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। हमने कहा हाँ स्वामी जी, हम तो छोटे बच्चे हैं, आप तो बड़े हो, पीएचडी किया आपने, आप स्वामीनारायण के गुरु, हम तो सिखाओ, छोटे बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं, आप सिखाओ मुझे, ये गलत रास्ता है। हम कहते हैं गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आता है, ये हमारे भ्रम हो सकता है, गलत हो सकता है, आप दिखाओ मुझे, ये गलत है, तो मैं आऊंगा। हमने कहा आओ, खास आया उनको ओम शांति भवन में सामने सामने बिठा दिया, और बाबा गुलजार दादी के तन में तक देखता बैठ गया, कहने लगा अरे मैंने जीवन गवाया, आज पता चला कि ये क्या चीज है, सुनता कम है, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, You must see and you must listen at the same time. एक ही आंखों से, एक ही कान से, एक दफा सुनना भी है और देखना भी है। मैंने सुना और किसी का आवाज हो सकता है, मैंने देखा भ्रम हो सकता है, सुनना और देखना एक साथ होना चाहिए, तब सत्य है। मैंने सुना और मैंने देखा सत्य है, तब उसने इतना दिन सुना था, देखा नहीं था, अब आके बैठ के अरे कैसे भगवान पाता है, देखा तब कहा कि अब मुझे समझ में आया, तब 2-3 दफा आया उनके स्वामी नारायण को देखो, स्त्रियों को देखते नहीं हो तो भी हमको कॉन्फ्रेंस में बुला, उनके सिल्वर जुबली थी, तो मनुष्य रियलाइज करता टाइम लगता है ना, समय आता है। हरेक को बाबा ने कहा बाबा हरेक बच्चों की बुद्धि का ताला खुलेगा, खुलाएगा, समय लगता है, एक दिन में नहीं टाइम लगता है, कि मनुष्य को पता नहीं मैं क्या कर रहा, किसका पढ़ रहा, किसने लिखा है, क्या लिखा है, तो अच्छी तरह से पढ़ने से समझ में आता, आधे आगे पीछे आधा घड़ा ना आवाज करता, फुल घड़ा भरा हुआ आवाज करेगा, तो ज्ञान आगे से पीछे, कभी कभी इधर आप कभी कभी आते हो, कभी भाई आज ही मुरली इधर आके बैठेंगे, तो मुरली अरे ये ब्रह्मा कुमारी क्या बोलते हैं, ऐसा लगे उनको पता ही नहीं, तब बाबा ने नियम बनाया, जब तक 7 दिन का कोर्स पूरा नहीं सुना तब तक इस सभा में नहीं बैठ सकते, इंद्र सभा है, क्योंकि ये ज्ञान आत्माओं के लिए, शरीर के लिए नहीं है,
अगर शरीर के भाव में रहते हुआ तो ये ज्ञान आपके अंदर जाएगा नहीं, तब इंद्र सभा में कौन बैठ सकता है? एक परी मनुष्य को लेके इंद्र सभा में बदबू आने लगे, है ना? तो यहां पवित्र देवताएं बैठते हैं, पवित्र आत्मा है, रूहानी सभा है, ये जिस्मानी सभा नहीं है ना। जिस्मानी सभा वो है जहां ज्ञान की चर्चा होती है, यहां अनुभव की लेन देन होती है ना। इसलिए बाबा ने नियम बनाया, पहले किसी को अंदर लाते हो इस सभा में तो 7 दिन का फिर उनको कोर्स करा, पूरा ज्ञान सुना, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, आत्मा कहां से आई, परमात्मा कहां से आया, कितने जन्म लेते हो, इस सारा ज्ञान सुनाने के बाद समझ में आया तो कॉलेज में परमिशन एडमिशन मिलता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अगर सुना नहीं ऐसे जाके साइंस कॉलेज में बैठो पता चलेगा, कॉमर्स कॉलेज में जाके बैठने क्या पढ़ा रहे पता ही नहीं है, तो पहले परमिशन लेना होता है ना। तब कहा ज्ञान की पूरी आदि मध्य अंत ज्ञान, तब ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आपको नहीं मुझे भी 10 साल तक पता नहीं चला योग क्या है, बैठ के बाबा के कमरे में जाके देखते बैठे थे, किसी ने बताया नहीं, आत्मा समझे बाबा को याद करो, कैसे याद करो, मुरली सुनते गए सिद्ध कॉलेज पढ़ते समय भी पढ़ा, मुरली सुनी, योग करने बैठते हैं, बाबा के चित्र को देखते बैठते हैं, जैसे आप ये नहीं कैसे करते हो, है ना, कोई पता नहीं क्या योग क्या है। तो मैंने ये आपको जो बताया मेरा अनुभव बताया, मेरे जीवन में भी ऐसे प्रश्न था, हमने मानता था भगवान आया, कहां भगवान आया दिखाओ, है ना। तो भगवान को अपने आंखों से देखना है तब हमने माना, नहीं तो हमको बचपन में महाभारत सिखाया पढ़ाया, गीता पढ़ाई तो कहा राम महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो तो राम भगवान है, महाभारत पढ़ो विष्णु भगवान है, हमने क्या अखिल पूछा कितने भगवान है, तो कहा एक किताब पढ़ो, कौन सा, संस्कृत में किताब था अधिक मास कहते, उसके अंदर 21 श्लोक थे, एक श्लोक में सुनाया कि जब सृष्टि पर आपत्ति काल आता है तो विष्णु भगवान ईश्वर के पास जाता है, तब तक मैंने सुना था कि विष्णु ही सब कुछ है, अरे विष्णु को भी ईश्वर चाहिए, विष्णु से भी ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है प्रश्न है, तो 21वें श्लोक में सुनाया ईश्वर कौन, अनंत, इन्फिनिट कहते हैं, अनंत है, अनंत क्या फिर अच्छा, तब कहा गीता में कहा कोटि सूर्य जितना प्रकाश है, ये सूर्य तो रोज दिखाई देता है, वो सूर्य कहां है, जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, शिव बाबा का, शिव बाबा का कैलेंडर है चित्त के किरणा वाला, वो देखा, अरे ये ईश्वर का चित्र है, ये कोटि सूर्य जितना प्रकाश है, इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। तो रोज आके 2-2 घंटे, एक कॉलेज का प्रोफेसर था, रोज डिस्कशन करते थे कि ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा मनुष्य ब्रह्मा हो सकता है क्या, ब्रह्मा तो उससे ऊपर रहता है, ये कैसा, तो सुनते 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 5 साल लगे पूरी पढ़ाई का, फिर प्रश्न पूछता रहता था और वो भी जवाब देते थे, कॉलेज में था प्रोफेसर था, पढ़ते पढ़ते लगा अब समझ गया कि सारे शास्त्र रामायण महाभारत कुरान बाइबल सब लिखे, देखो इंग्लिश में, हमको ऑस्ट्रेलिया से एक मुस्लिम ने पूरा कुरान इंग्लिश में लिख के भेजा, श्रीमद् कुरान। तो लंदन से एक मुस्लिम ने 11 सीडी भेजी कुरान को हिंदी में ट्रांसलेट करके, सब पढ़ना चाहिए सब सुनना चाहिए तब समझ में आएगा। तब का सारा ज्ञान का निचोड़ कुछ नहीं, एक ही है, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, कबीर की वाणी ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, सबके अंदर एक शब्द है, औरों के प्रति सुन समझो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। उसको गीता में फिर कहा अधम के अधम महापापी है, बहुत कर वाल्मीकि क्या था, क्या बना, आज भी आप देखेंगे, आप क्या ब्रह्मा कुमारी ने ऐसा कुछ किया, हाँ देखो 200 लोगों की हत्या किया, मर्डर किया, पंचम सिंह सुना कभी, सुना पंचम सिंह करके, वो कहता आज मैं ब्रह्मा बाबा हूं, सब लोगों को सारे जेल में सब जगह जाके ज्ञान सुनाता है, आप ऐसा पक्का ब्रह्मा कुमार बना, 200 लोगों का मर्डर किया बंदूक से, चंबल घाटी में था, ऐसा आज भी वाल्मीकि है तो रामायण लिखा, अपने को कहता मैं भी भगवान ब्रह्मा कुमार हूं, शिव बाबा का बच्चा, सबको पढ़ाता है ऐसा हत्या नहीं करना, मैंने भूल की आप नहीं करना, भगवान परिवर्तन करके दिखाता है, तो ऐसे लोग चेंज होने वाले हैं, है ना। तो ये बाबा का प्रैक्टिकल समझ में, मनुष्य रियलाइज करता है कि उसको कहते हैं पश्चाताप करता है,
मैंने भूल किया तो क्षमा होती है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों को पश्चाताप नहीं करता, महसूस नहीं करता, कहता नहीं ये माता जी ऐसी करती है, पिताजी ऐसा करता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, इन्होंने ऐसे बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैं दोषी नहीं, ये दोषी नहीं, मुझे गुस्सा आया, मैं दोषी, मुझे ठीक करना है, तब का स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया? और कुछ रह गया? हाँ अभी रह गया, कुछ क्या रह गया? हाँ क्रोध मुक्त बनने का माता जी के प्रश्न अभी रह गया, बोलो। कहते हैं कि पुरुषों का संग्रह तो सब युगों में बड़ा है, हाँ। सब युग में जाना है तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं तो कई जन्म में हम संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सब में महान है युग, हाँ। क्योंकि हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा परमात्मा का परिचय मिलता है, सब युग में तो कुछ याद रहता नहीं है, तो ये युग ही सबसे अच्छा अपना जीवन का माने, जितना हम कर सकते हैं उतना करें। बरसात आती है ना, सारा साल आते हैं, बरसात के समय पर खेती में बीज बोएंगे तो सारा साल खाएंगे। बरसात जब आई, आप कहीं मैं बीमार थी, मैं ऐसे था, किसको बताएंगे? तब देखो कुछ बोया नहीं, सारा कलप क्या खाएंगे? ऐसे सारे कलप का आधार ये पुरुषोत्तम संगम युग, तब निराकार यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारत का, मैं स्वयं आता हूँ सृष्टि का रचयिता, आकर कुछ देता नहीं हूँ, ज्ञान देता हूँ क्या करो क्या नहीं करो, उसके श्रीमत के अनुसार अगर खेती में बीज बोते हो एक का 100 गुना लगेगा। नहीं, हमारा पिताजी ऐसे बीज बोता था, बोलो, एक का 10 गुना मिलेगा। मनमत से अगर खेती बनाते हो और श्रीमत से बनाते हो, दोनों में अंतर है। तो श्रीमत भगवत गीता स्वयं भगवान आके श्रीमत देता, बच्चे ऐसे करो। तो ये खेती कर्मों के आपको पूरा 21 जन्मों तक सत्य त्रेता तक और ज्यादा भी करते हो कलयुग तक भी आपको ये बीज फल देगा। चारों कल युगों का आधार संगम है, जैसे यहाँ कर्म भरेंगे ऐसे सारे युगों में आप सुखी बन सकते हो। अगर बरसात के समय पर खेती नहीं होया तो सारे साल में क्या खाएंगे? मांगना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, भगवान मेरा लिए ये करो। मंदिर में क्यों जाना पड़ा? खेती बोया नहीं, जब भगवान आया था तब भाग लिया नहीं, जब बरसात आई खेती बोई नहीं, किसको बताएंगे? तकदीर। तब कहते हैं इनका भाग्य ऐसा है, इनका तकदीर ऐसा है। किसने तकदीर बनाया? किसने भाग्य बनाया? हमने ही। ठीक है, समझ में आया? ओम शांति।